हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर्स पॉइंट सीरीज बाय फिनलैंड एकेडमी। मैं हूं कपिल शाह, ट्रेनर एंड ट्रेडर। तो ये सिलसिला अपना जारी है क्लाइंट की और हमारे ग्रेड्स के जर्नी को समझने के लिए, उनकी जर्नी से मींस उनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे रहा हुआ है, कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं और कैसे स्टडीज को यूज कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण जी। वरुण जी हमारे आई थिंक बैच 7 के स्टूडेंट रहे हुए थे, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले हमसे जुड़े हुए थे। उसके बाद में हमने उनसे मीन्स काफी सारा इंटरेक्शन उनसे हो रहा था ऑफ द लाइन सोशल मीडिया के जरिए, और बाद में मैंने उनसे एक बार एक दो बार बात भी की हुई थी। तो वहां पे मुझे पता चला कि उनका एक्सपीरियंस काफी रिच है, ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स से वो मार्केट में है। तो ये जो 23-24 ईयर्स की जर्नी रही हुई थी, तो हम जस्ट समझना चाहेंगे कि आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट के लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ है, इस पर्टिकुलर टाइम में आप कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वरुण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं हमने आपको अप्रोच किया और आपने हमारी एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया आपके जर्नी शेयर करने के लिए। आप बोलिए। और वरुण जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा माइनिंग और इक्विपमेंट वगैरह का बिजनेस है। मैं बिजनेस में 97 से हूँ और मेरी स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट से हुई थी। मैं सब ब्रोकर मतलब फ्रेंचाइजी उस समय चलाता था। वरुण जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आवाज काफी स्लो आ रही है। हेलो हेलो। ओके 1997 से और मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ। तो मेरी बिजनेस की स्टार्टिंग ही स्टॉक मार्केट से हुई थी। ओके कलकत्ता में रेडार सिक्योरिटीज के नाम से स्टॉक ब्रोकिंग फर्म था, उसका फ्रेंचाइजी मैं चलाता था। 5 साल करीब उस समय मैं ब्रोकिंग किया, 97 से 2002 तक। और 2002 में जब डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो 6 महीना मतलब 2003 में सोच लीजिए मैं फिर स्विच ओवर कर गया स्टॉक मार्केट छोड़ करके। और फिर मैं अपने फैमिली बिजनेस में आयरन ओर का उसमें आ गया था। और उसके बाद फिर आप सोच लीजिए मैं मार्केट में फिर से मतलब एक्टिव हुआ हूँ और लास्ट ईयर से, इस कोरोना के स्टार्टिंग से। और लेकिन बीच में मैं मार्केट स्टडी करते रहता था, मतलब वो एक एज ए हॉबी या पैशन के हिसाब से, कि जब भी CNBC चल रहा है क्या हो रहा है उसमें, मार्केट्स में क्या हो रहे हैं। जैसे आपका जो लेमन ब्रदर फॉल हुआ था, तो सत्यम का जो हुआ था उसमें, वो सब सारे चीज़ों को ट्रैक जरूर करता था। और उससे क्या है कि एक और मेरे को रिसर्च करने का काफ़ी है। जैसे मान लीजिए एनालिसिस और रिसर्च करते रहता हूँ मैं, तो वो रिलेटेड आपका स्टॉक्स हो, प्राइसेस हो, या मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्ट का जो भी है, उसके ऊपर मैं रिसर्च वगैरह करते रहता हूँ। फाइन वरुण जी, तो आपका ने 23-24 ईयर्स का आपकी जो जर्नी रही हुई है अभी तक, तो इस मुकाम पे आप क्या कर रहे हैं? मींस आपका नजरिया ज्यादातर इन्वेस्टिंग की ओर है या फिर ट्रेडिंग की ओर है? देखिए, आप इन्वेस्टिंग बोलिए या ट्रेडिंग बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। आप इन्वेस्ट उसी में मतलब आप इन्वेस्ट करो चाहे ट्रेड करो, आदमी फर्क कुछ नहीं है उसमें। आप इन्वेस्टमेंट भी क्या है, उसको लेके आप बेचते हो और जो नहीं बेचते हैं वो रोते हैं जीवन भर, ठीक है। अभी ट्रेडिंग में क्या है, लेता है बेचता है, लेकिन उसमें जल्दी बेचता है इसलिए वो रोता है। तो खेला इसमें खाली वही है कि कब लेना है, कब बेचना है, या कितना लेना है, कितना बेचना है, और किसको ओन करना है। अब मैं मान लीजिए कि जैसे जो मेरी मतलब जो मेरी लर्निंग है अभी तक की, वो यही है कि आप जब ओन करोगे कोई चीज़ को तो ही उसमें आप पैसा कमा सकते हो। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कौन कमाता है?
जिसकी अच्छी स्टडी होती है, भले वो बाद में ट्रेडर नहीं हो या फिर इन्वेस्टर हो, जिसकी स्टडी अच्छी होती है नहीं वो कमाता है। नहीं 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 जी जो कंपनी का मालिक होता है ओके okay. वो भी स्टॉक निकालता है और उसकी भी वो भी स्टॉक की ट्रेडिंग करता है। वो अपना वो मैन्युफैक्चरर है स्टॉक का। तो जो अब जैसे आप जितना भी अच्छे इन्वेस्टर्स हो उनका आप इतिहास निकाल के देखोगे तो वो सब कोई ना कोई स्टॉक को ओन कर रहे हैं। और आज के दिन वो जो ओन कर रहे हैं जिस स्टॉक को, वो स्टॉक कैपिटल इतना बड़ा हो गया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि उसकी जो वैल्यू है मनी मतलब इन्वेस्टमेंट की, वो ग्रो कर गई है। सो जो मतलब लोगों की जो थ्योरी है कि भाई प्राइस के चलते आदमी पैसा कमाता है, वो रॉन्ग है एकदम। आदमी स्टॉक में पैसा जो है कमाता है वो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के ऊपर। अगर सपोज करिए आज मैं अपनी कंपनी फ्लोट करता हूँ और मैं सिर्फ 100 शेयर ही निकालता हूँ बाजार में और 10 साल से वो मेरा 100 शेयर ही रहता है, ठीक है, मान लीजिए प्राइस कितना भी हो जाए तो क्या आप पैसा कमाओगे क्या उसमें? बेसिकली फ्री फ्लोट। हाँ, फ्री फ्लोट से भी ज्यादा आपका मतलब जैसे आज रिलायंस है, वाई रिलायंस इज रिलायंस बिकॉज इट हैज ग्रोन फ्रॉम 1 लाख शेयर टू 1 करोड़ शेयर। तो आज के दिन उसमें मान लीजिए उसका पहले 25,000 शेयर बाजार में था, आज 25 लाख शेयर बाजार में है, कल 25 करोड़ शेयर बाजार में होगा उसका। तो हाउ आप देखिए, 4 आदमी से वो 400 आदमी में चला गया और 400 आदमी का डिमांड क्रिएट हो गया, तो प्राइस कहाँ मिलेगा जहाँ डिमांड है? तो इट्स ऑल गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड नॉट फॉर द प्राइस। आप स्टॉक का बेसिक मतलब क्या होता है? स्टॉक एक कोई पीस भी, ऑफ ओनरशिप हम कह सकते हैं। हाँ, पीस ऑफ ओनरशिप। हम प्राइस का तो ओनरशिप कर नहीं रहे, हम पेपर का कर रहे हैं। और जो पेपर जितना ज्यादा बाजार में मैन्युफैक्चर करेगा तो उसका ही होगा। अब आप एक देखिए, प्राइवेट फर्म्स और पब्लिक सेक्टर फर्म्स में आज के दिन जैसे आज इंडियन ऑयल को ले लीजिए आप एंड रिलायंस को कंपेयर करिए, विच इज बेटर? आई एम आस्किंग मतलब कपिल जी आपको वरुण कि जी, एक, मैं एक मिनट पॉज लेता हूँ, मैं अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहा हूँ हाँ क्योंकि मुझे आवाज बहुत स्लो सुनाई दे रही है। मैं अपना अच्छा शायद अच्छा ठीक है इंस्ट्रूमेंट में चेंज करके देखता हूँ, ठीक है जस्ट ठीक गिव है अ ठीक मिनट। है। हेलो भी आवाज ठीक है? हेलो हेलो हेलो, ओके जैसे आप विप्रो ले लीजिए, इंफोसिस ले लीजिए, हिंदुस्तान लीवर ले लीजिए, आज कोई भी उसको होल्ड करके रखता है तो वो प्राइस से उस पे बड़ा आदमी नहीं बनता है, उसमें बनता है वो जो उसका शेयर होता है वो ग्रो करता है। जैसे बोनस, आज विप्रो ने इतना बोनस बांटा होगा लोगों को कि मतलब आप सोचिए, जब हम डील करते थे मतलब ब्रोकिंग कर जब मैं ब्रोकिंग करता था तो हमारे पास जो मतलब जो भी क्लाइंट आते थे, कोई इंफोसिस का मतलब इंफोसिस का 1,000 शेयर लेके आ रहा है तो विप्रो का 2,000 शेयर लेके आ रहा है उस समय, और उसने सिर्फ मात्र 100 शेयर 10 साल पहले खरीदे थे और वो 10 साल में ग्रो करके 1,000 शेयर हो गया। और उस समय जब मैं 2000 में इंफोसिस 1,000 रुपया, विप्रो 1,000 रुपया ट्रेड हुआ करता था और वो 1 करोड़ रुपया का मालिक बन गया, और उस समय 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी। और उस समय जो शेयर थे वो पेड अप आपका 10 और 100 के यूनिट होते थे, वो 2002 के बाद सारे के सारे जब ऑप्शंस चालू हुआ तो सारे 1 के यूनिट में आ गए। तो आप सोचिए कि वो 1 के यूनिट में आने के बाद में लोगों के और कितने ग्रो कर गए।
जिस जैसे मान लीजिए 10 का एक शेयर था, वो तो 10 टाइम तो वह ऐसे ही हो गया उसका सिर्फ चेंज ओवर से, और प्राइस जो है वो वापिस 100 से 1000 पहुंच गया, तो आज के दिन वो 10,000 रुपया का। मगर मैं उस दिन के हिसाब से देखूं तो प्राइस अगर देखा जाए तो आज के दिन वो 10,000 रुपया का प्राइस हुआ। तो सारा खेल स्टॉक ओनिंग का है, और आपको कौन सा स्टॉक को ओन करना है वही मेन है। जनरली लोग क्या करते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लचक ने विप्रो की हमने जर्नी बताई, इंफोसिस की जर्नी बनाई, लचक ने कोटक बैंक में काफी सारे अपसाइड मूव, मींस नॉर्मली हम सब ये अपसाइड मूव जो चले हुए थे उसकी हम बात करते हैं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स में एक आध बार तो कहां ना कहां पे 60% 70% जितना फॉल आ गया था। मींस लचक जो 2007-2008 की जो गिरावट थी, तो सारे के सारे स्टॉक 60-70% नीचे आ गए थे, क्योंकि मार्केट ही पूरी 65% नीचे आ गए थे। वही भूल कर रहे हैं आप, देखिए आपका कैपिटल इरोड नहीं हुआ, मतलब जो ओनर होता है उसका कैपिटल इरोड नहीं होता है कभी भी। प्राइस जो है वो प्राइस डाउनग्रेड हुआ, मगर वो नंबर ऑफ शेयर्स तो कम नहीं हुए ना। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम नहीं हुए, और अगर मेरे कंपनी मेरे को मालूम है कि फिर से ग्रो करेगा और मेरे को फिर से बोनस देगा और मेरे को फिर से उतना शेयर देगा जितना मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो आप वैल्यूएशन देखो उसका। मतलब आज मेरे पास 100 शेयर है, मेरे को मालूम है 3 साल बाद फिर इसमें बोनस मिलना है मेरे को, मेरा 200 शेयर हो जाएगा, तो मैं तो मेरा तो पैसा डबल हो रहा है प्राइस। और अगर आज वो गिरे हुए प्राइस में मेरे को मिलता है तो क्यों ना मैं उसे और ऑन कर लूँ। तो सारा बेसिकली फंडा में, मतलब फंडा यही है कि आप कितना ऑन कर सकते हैं। तो जितना गिरेगा, जैसे मान लीजिए कि आज के दिन जितनी अच्छी कंपनियां हैं, अगर आप उसको मतलब अच्छे भाव में अगर ओन करते जाते हैं तो यू विल ऑलवेज हैव द कॉस्ट बेनिफिट। अच्छा, अगर मैं हर्षद मेहता वाली थ्योरी में जाऊं, जो कि आज तक की सबसे बड़ी थ्योरी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी, तो उस हिसाब से आज के दिन आप कैलकुलेट करोगे तो ये जितने बड़े जो हैं इनको खरीद, मतलब इनका भाव कोई दे ही नहीं सकता। आज एक हिंदुस्तान लीवर अगर कोई बनाना चाहेगा आज के दिन, मैं सपोज करिए मैं अगर अपना खुद का हिंदुस्तान लीवर बनाना चाहूँगा तो मेरे को कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं एक अपना रिलायंस बनाना चाहूँगा खुद का, तो कितने बड़े रुपये की, और उसके बाद वो रुपया लगा के उसमें टाइम देना पड़ेगा, और कितना टाइम देना पड़ेगा, तो वो टाइम का कैलकुलेशन। तो जैसे आज मान लीजिए हम लोग स्पॉन्ज प्लांट है हमारा, तो वो प्लांट का हम जैसे आपको प्लांट एक्वायर करना है कि प्लांट लगाना है, तो आज प्लांट लगाने जाऊंगा 2-3 साल लगेगा, तब तक तो भाव आके चला जाएगा। तो मैं जो आज मान लीजिए अगर थोड़ा बेसी पैसा देके भी आज प्लांट ओन कर लेता हूँ, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा कि लगा के टाइम खोटा करके और मतलब टाइम किल करके, और उस वो ज्यादा बेनिफिट होगा उसमें। ठीक है, आपको आप खुद से लगाने जाओगे थोड़ा पैसा बचा लोगे, मगर जो आज मार्केट का बेनिफिट है वो तो आप नहीं उठा पाओगे। यस वरुण जी, लेकिन इसने वैसा होता है, मींस जो इन्हें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रूवन है, 2007-08 में कौन सा मींस इंफोसिस और ऊपर जाएगा या फिर यूनिटेक भी और ऊपर जाएगा, सुजलोन भी और ऊपर जाएगा, तो कहां ना कहां पे एक पीरियोडिकली एक असेसमेंट तो अपना होना चाहिए होता है कि यानी ये कंपनी में ओनरशिप बनाने जैसी है, इस कंपनी में ओनरशिप बना। वही अभी जो बात है ओनरशिप बनाने की, आप प्राइस के हिसाब से बनाने जाओगे या मान लीजिए कि आप ये बनाने जाओगे कि भाई मैं आज 100 रुपया इस कंपनी में लगा रहा हूँ और ये मेरा 100 रुपया का 100 रुपये के प्राइस में ले रहा हूँ और वो 1000 हो जाए तो मैं बेच दूँ। मतलब जनरली जो हमारी मान लीजिए जब मैं भी पहले ये करता था तो ऐसे ही दिमाग लगाता था कि भाई इसका 100 का प्राइस है, 100 शेयर ले लो, और अभी ये 300 का हो जाएगा कि 200 का हो जाएगा कि भाई 150 का हो जाएगा कि 400 का हो जाएगा और हम बेच देंगे। कभी भी वो नहीं सोचता था कि इसको मेरे को 100 शेयर लेके रखना है, ये 200 शेयर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी स्टॉक्स के ऊपर
फोकस नहीं करते, हम हमेशा प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं, मगर जबकि करना चाहिए स्टॉक्स के ऊपर फोकस कि कौन सा स्टॉक ग्रो करेगा। यू मीन टू से कि प्राइस पे नहीं कंपनी पे, स्टॉक पे मींस स्टॉक और प्राइस का? हाँ वही वही, मतलब कंपनी पे फोकस करना चाहिए, जो कंपनी ग्रो करेगी प्राइस भी उसी का ग्रो करेगा अल्टीमेटली। अभी आप एक देखिए, मैं फ्यूचर का, आप फ्यूचर का ले लीजिए एग्जांपल। फ्यूचर ग्रुप जो है आज के दिन मतलब जब वो फ्लो, मतलब उसका आईपीओ आया और जो मार्केट में चला, तो 50 रुपये 100 रुपये में आदमी उसको लेके, और अब 16 रुपये में रो रहा है, उसको बेचने के लिए निकल रहा है प्राइस के हिसाब से। मगर आज साहब आप एक कैलकुलेशन देखिए कि अगर मैं फ्यूचर ग्रुप का जितना बड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज मैं क्या रिलायंस नहीं खड़ा कर सकता। इसीलिए उसने खुद का खड़ा करने के बजाय उसको ज्यादा दाम दे करके ओनरशिप लेने के लिए गया। और ये जिस दिन डील कंप्लीट हो करके आपका ये टेक ओवर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सोच लीजिए फ्यूचर ग्रुप का जो प्राइस है वो कितनी तेजी से भागेगा। अभी यस बैंक है, आज सब यस बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा ह्यूज है, और उसके पास जो रिजर्व्स हैं वो इतना ह्यूज है कि आज 16 रुपया 100 रुपये में भी नुकसान नहीं है उसमें। लेकिन कुछ ये हो सकते हैं ना, मींस लेट्स से कि अभी ने डीएचएफएल का केस था, तो डीएचएफएल का भी एक तो उसका सेटअप काफी अच्छा था, पीएल ने उसको एक्वायर कर रहा है, तो वो एक एंटिटी ही निकल। ये साहब मौका देखिए, ये मौका है आज साहब हम, हेलो जी जी हेलो, हाँ अभी मैं रिलायंस की आपको बताता हूँ। रिलायंस जो है, हम जब ट्रेड करते थे 200 रुपये में ट्रेड करते थे, 200 से लेकर के उसको 800 की जर्नी के लिए उसको करीब करीब लग गए 12 से 14 साल। लास्ट ईयर उसका भाव 800 रुपये था, 2008 से 2017 तक वो 550 के लेवल पे, जो उसका एक्स बोनस हो के वहां पे ही। मैं 2002 से सीधा बोल रहा हूँ, मैं आपको 2002 से बोल रहा हूँ कि 2002 में उसका हम 250 रुपये, मैं ट्रेड किया हुआ हूँ 300 रुपये में, 250 रुपये में, 150 रुपये में ट्रेड किया हुआ हूँ, 230 रुपये का भाव में ट्रेड किया हुआ हूँ। तो 200 रुपये से लेके उसको 800 की जर्नी करने के लिए करीब करीब 18 साल लग गए, 2002 से 2020। लास्ट ईयर 800 रुपये का भाव था उसका, yes. और 800 से लेकर के 2200 होने में उसको 1 साल लगा। अब आप एक चीज और देखिए कि रिलायंस 2002 से लेके इस 18 साल में कितना ग्रो किया। उस समय भी रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी थी, बराबर 2002 में, और वहां से यहाँ कितना ग्रो किया। तो सब खेल उसी का है, आपको इसमें पेशेंस वाली भी कोई बात नहीं है। आज रिलायंस में ऐसा कोई साल नहीं है जब लोगों को डिविडेंड नहीं दिया हो, उसने कभी लोगों को बोनस नहीं दिया, लेकिन हर साल उसने डिविडेंड जरूर दिया। प्लस वो सारा पैसा कैपिटल में लगाता है, तो वो बोनस नहीं भी दे तो उसकी शेयर ग्रो कर रही है। अच्छा, जितना अच्छा शेयर मार्केट को धीरूभाई अंबानी ने समझा और किसी ने नहीं समझा, तो इसीलिए आज आप देखिए रिलायंस क्यों लीड कर रहा है। रिलायंस की कंपनी आज के दिन अब इंडियन ऑयल से बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, मगर उन्होंने अपने शेयर को ग्रो किया। अब जैसे जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अब आप मेरी थ्योरी को बोलोगे कि भाई इनके तो शेयर फ्लोटिंग में भी बहुत हैं, नंबर ऑफ शेयर्स भी बहुत हैं, तो उसमें भी एक सेचुरेशन है। जैसे अभी आज के दिन रिलायंस डिजिटल में आ गया, तो उसे क्यों आना पड़ा, क्योंकि उसके शेयर ऑयल के इतने ग्रो कर चुके हैं कि अब और ग्रो नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसने रिलायंस को डिजिटल में लिया है कि अब वो वहाँ ग्रो, और वो खाली शेयर को ग्रो करेगा, स्टॉक्स को ग्रो करेगा,
उसको कंपनी उसकी मालूम है भाई कि मेरे को खाली सस्टेन करके चलनी है। तो वरुण जी बेसिकली आप इतनी सारे इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, इतना आपका एनालिसिस है, तो ये सभी एनालिसिस का सोर्स क्या है? मीन्स कुछ रिसोर्सेस आप प्रिफर करते हैं जिसके हिसाब की आपका एक कंटिन्यूस मार्केट के या पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे कुछ एक ट्रैक पर रहता है? नहीं, इसका आपको रिसोर्सेस क्या, आपको खाली ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे आज मेरे को भी ये चीज़ समझने में साहब 20 साल लगा, क्योंकि पहले आज जैसे आप सोच रहे हैं, आप कब से हैं मार्केट में? 2010 से। 2010 से साहब, जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे ट्रेड करते हैं, मैं भी वैसे ही, जैसे और बाकी ब्रोकर लोन डील करते हैं साहब, मैं भी वैसे ही करता था। लेकिन 2002 में मेरे को एक बैकलॉग लगा मार्केट पे, मैं मार्केट से बाहर निकल गया। हमारे फैमिली बिजनेस में आया, जब बिजनेस में आया तो मेरे को बिजनेस की सारी इंटीग्रिटी जब पता चली, तब ये खेल सारे समझ में आने लगे। तो समझ में आया कि ओनरशिप इज द की एंड नॉट, भाई आज हम भी, मैं आयरन ओर में ट्रेड करता हूँ, आज हम आयरन ओर बेचते हैं साहब। तो आयरन ओर साहब जब मैं 2003-04 में बेचता था तो उस समय 400 रुपये भाव थे, आज आयरन ओर का भाव है 4,000-8,000 रुपये। तो आप अगर आप बोलोगे कि साहब आप तो अगर उस समय 10 ट्रक भी अगर इकट्ठा कर लिए होते तो बहुत रुपया हो जाता, मगर मैं ट्रेड करके उसमें कई लाखों ट्रेड कर चुका हूँ। और मेरे को उसमें मार्जिन कितनी है, 25 रुपये 50 रुपये। तो अब आप ये कैलकुलेट करो कि अगर मैं, अगर मान लीजिए कि एक गोडाउन खाली आयरन ओर भर के रखता और वेट करता कि इसका ये भाव आएगा तो बेचूंगा, कितना पैसा कमाता, और 1 लाख ट्रेड करके, मतलब 1 लाख बार ट्रेड करके और 50 रुपये ही मार्जिन, खाली 25 रुपये ही मार्जिन में मैं खुश हूँ अपना, और वो कितने हो गए मेरा, देखिए मतलब 25 रुपये टन का। फाइन, तो इस पॉइंट पे तो लग सके ओनरशिप इज अ की, लेकिन ओनरशिप कहाँ पे होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन तक होनी चाहिए, ओनर मींस एक टाइम पे ऐसा कॉल भी आता होगा कि मुझे ये ओनरशिप रखनी है नहीं रखनी है, तो उसके पीछे का आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? मींस लेट्स से क्या ओनर 21 है, ओनरशिप रखने नहीं रखने के पीछे डिपेंड करता है कि कंपनी जिंदी रहेगी कि नहीं रहेगी। जैसे सब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिमाचल फ्यूचर स्टेट, ग्लोबल टेली, पेंटा सॉफ्टवेयर, ये सब भी 2002 के किंग थे, और केतन पारिक केपी पोर्टफोलियो थे, ठीक है ना, हाँ केपी 10 पोर्टफोलियो थे। और उस समय इनका प्राइस था साहब, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक 3,300 रुपया, ग्लोबल टेली 4,000 रुपया, हिमाचल पेंटा सॉफ्टवेयर 3,500 रुपया। मतलब ये हम लोग के प्राइम यही रहते थे खाली, और इसी में डील होते रहे। स्क्वायर डी बायो, स्क्वायर डी बायोटेक, स्क्वायर डी सॉफ्टवेयर, तो ये श्याम टेली, आज इनका कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। और ये सारे के सारे उसी समय उड़ गए थे। मतलब मेरा चोट भी सोच लीजिए इन्हीं सब में के डीलिंग में ही लगा था। तो आज क्या है, अब जैसे एक टिप, मतलब उसने कह दिया, तो क्योंकि उस समय हमारे पास में कोई, उस समय भी चार्ट थे, लोग बाग थे, जैसे मेरे काफी दोस्त थे जो दिन भर चार्ट्स को रीड करते रहते थे डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे से खबर आया कि वो, हम कलकत्ता में रहते थे तो काफ़ी पंटर लोन थे, उनसे सबसे मिलते रहता था कि भाई ये चलने वाला है, वो चलने वाला है, ये होने वाला है, आज तो वो उस पर ही सारा काम चलता था। कभी ये साहब उस समय ये दिमाग नहीं लगाया कि भाई फंडामेंटल, टेक्निकल, या ओनरशिप, या बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों में ही ये खेल सारा है। लेकिन उसके बाद
जब मैं बाहर निकला तब इसमें समझ में आया कि इससे भी बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं। तो आप अगर वो चीजों को समझोगे तो आप स्टॉक मार्केट को समझोगे। तो लेट्स से कि ना फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ये सभी है, तो आपके कुछ कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स जहां पे आप देखते हो, लेट्स से कि आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स को या फिर एनुअल रिपोर्ट्स को कितना अहमियत देते हैं? मैं साहब वो सब कुछ नहीं देखता, बैलेंस शीट जो है वो मैं जैसा चाहूंगा वैसा बना दूंगा। मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ, कंपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट है एक्चुअल मार्केट में वो क्या कर रहा है, बिजनेस मेरे को समझ में आता है कि नहीं आता, जो चीज को मैं इन्वेस्ट करूंगा या खरीदूंगा वो बिजनेस कल को मेरे को खरीदना हुआ तो मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद। मान लीजिए आज रिलायंस है, मेरे को 1 रुपये का भाव में मिलने लगा है तो मैं रिलायंस कंपनी खरीद लूंगा, तो भाई मैं उसको लेने जाऊंगा कि कल कुछ भी हो जाए, मुकेश अम्बानी जी भी कुछ का हो जाए, रिलायंस कंपनी को भी कुछ होगा, तो मैं खुद अपना उसको लेके चला लूंगा। तो जब आपकी ये सोच रहेगी तब आप क्या करोगे कि वो कंपनी के जड़ तक आप खुद जाओगे, और जब उसके जड़ तक आप जाओगे तो आपको क्लियर पिक्चर दिखने लगेगा कि भाई मैं इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि इसमें मैं कितने दिन इसमें रहूंगा। अच्छा मेरे को अब मेरे को बताइए, आप जो आप जैसे टीचिंग कर रहे हैं, आपको आज सैलरी मिलेगी तो आप टीचिंग करेंगे, कल सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या आप छोड़ देंगे क्या? जरूरी नहीं है। अगर फिनलैंड एकेडमी मान लीजिए आज आपको पैसा दे रहा है या आपको पेमेंट दे रहा है तो आप आज पढ़ाओगे या बोलेगा आज मैं 5,000 का भाव देता हूँ और कल बोलेगा मैंने 4,000 का ही भाव दूंगा, तो आप पढ़ाना छोड़ दोगे क्या? नहीं, कुछ ना कुछ और देखेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं वैसे, क्योंकि ये अरे आप फिनलैंड एकेडमी छोड़ करके आप 5,000 देगा उसके पास जाओगे, नहीं तो खुद का चालू कर लोगे, जिससे सोर्स आ रहा है उसको आप बंद कर दोगे। तो जो मेरे को कंपनी समझ में आ रही है मैं उसको क्यों बेचूंगा, मेरे को भाव में अच्छे भाव में मैं उसको और रख लूंगा कि भाई चल लो रखो। देखिए कोई भी स्टॉक या जो ये एसेट्स होते हैं ना वो तकलीफ में ही बिकते हैं, बहुत जरूरत में या तकलीफ में ही बिकते हैं लोगों के, नहीं तो बिकते नहीं है। वरुण जी एक हिसाब से बोल रहे कि आप अपनी कंपनी की जड़ तक जाते हैं, नॉर्मली कंपनी जड़ तक जाने के लिए एज आम आदमी को मींस लेट्स से क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स की जरूरत होती है जहां पे आपकी बिलीफ नहीं है, तो आप उस कंपनी के जड़ तक जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बेसिकली आज मैं सिंपल आम आदमी के लिए तो बोलता हूँ कि उसको आप निफ्टी उठा लीजिए और निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक ले लीजिए। कंपनी में जैसे फंडामेंटल में मैं 3-4 चीज़ें देखता हूँ, पहला तो प्रोडक्ट कि कंपनी क्या प्रोडक्ट डील कर रही है, तो उससे क्या किया उसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझ में आ जाता है। उस प्रोडक्ट का रिव्यू मार्केट से लेता हूँ, मतलब डायरेक्ट मार्केट पे, जैसे मान लीजिए कंज्यूमेबल है कि और या कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट को जाके देखना होगा। जैसे मैंने अपने लाइफ में यही देखा है कि जब तक आप फिजिकली कोई चीज़ को छू नहीं लो, देख नहीं लो खुद से, तो फिर विश्वास मत करो। तो इसलिए जैसे आज सॉफ्टवेयर कंपनियों, जैसे हम मरे किस में हिमाचल, जिसका हमने कभी ना प्रोडक्ट देखा, स्क्वेडी बायो में, DSQ सॉफ्टवेयर में, तो सब हवा हो गए। तब उस समय मैं भी अगर एक Y2K कंपनी बना करके अपना शेयर फ्लोट कर देता तो आज मेरा भी शेयर ट्रेड होकर के सोच लीजिए आप मेरे बारे में डिस्कस कर रहे होते। तो और वेरी इजी Y=Y2K बना करके लोगों ने कंपनी फ्लोट कर दिया और उस कंपनी का हजारों रुपये में ट्रेड हो रहा है, और मरे कौन आप में जैसे, और वो आज भी होता है। तो आप दवाई कंपनी ले लीजिए, डॉक्टर रेड्डी या
रेनबैक्स आज साहब आपका मैं बता रहा हूँ, अभी मैं इतने सालों बाद, मतलब कई दवाई कंपनियां उस समय पेनासिया बायो 5 रुपये 6 रुपये में ट्रेड करता था साहब, 18 रुपये में, आज क्या भाव है आप सोचिए साहब, वो 20 साल में कहाँ चले गए। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, उनकी कंपनी उसकी प्रोडक्ट की ग्रोथ हुई, कंपनी ग्रो किया तो उसका शेयर ग्रो किया तो साहब जितने ज़्यादा लोगों के पास में स्टॉक जाएगा प्राइस ऑटोमेटिकली उसका उसके अनुसार ऊपर जाएगा ही जाएगा। इस पर सबसे पहले आपको देखना है कि कैश कितना है कंपनी के पास में, डेप्ट कितना है, क्योंकि डेप्ट इज द बिगेस्ट फर्स्ट रीजन कोई भी कंपनी का बस्ट होने का। तो जैसे आप और मैं जिंदा होते हैं और मरते हैं, वैसे कंपनी भी जिंदा होती है और मरती है। तो कौन से कंपनी कब मरेगी आपको उसका कैलकुलेशन निकालना है, और वो आप अपना ही एक्सपीरियंस और उससे निकाल सकते हैं। तो वो मेरा अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि भाई ये कंपनियां कब तक चलेगी और ये कंपनियां कब मर जाएगी, बस्ट कर जाएगी। तो जैसे आज उसमें कैश फ्लो, मतलब उसका कैश, वो कैश कहाँ खर्चा कर रहा है, कैश जो खर्चा कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहा है कि वो खर्चे के तौर पे कर रहा है, कैश वो कितना अपने खुद के घर ले जा रहा है। मान लीजिए कि एक तो कंपनी है और उसका जो प्रोमोटर है, जो भी कैश उसके पास जा रहा है वो बेटा 30-40% कैश खुद गायब कर ले रहा है। तो DHFL जैसी कंपनी है, ये डूबेगी जो अपनी रईसी में ही पैसा उड़ा रही है पब्लिक का, वो ग्रो कहाँ करेगा। अब यस बैंक जैसे इन लोगों को पैसा देकर डूब गया, तो उसका एक पार्ट डूब गया। अब यस बैंक है, उसने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे यस बैंक का कैलकुलेशन में बता, यस बैंक आज उसकी कम से कम 160 के करीब ब्रांचेस है। तो आज 160-170 ब्रांचेस अगर किसी बैंक की है, वो बैंक डूब सकती है। वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, पता नहीं डुप्लीकेट डुप्ली सकती है वैसे। अरे कैसे डूब जाएगी, एंटिटी भी हो सकती है। अरे भाई उसका जो पहली बात, आज बैंक है, आज आप सोचिए बैंक का लाइसेंस लेने के लिए टाटा अंबानी लोन जब गए थे तो उनको नहीं दिया गया। जब टाटा अंबानी को नहीं मिला, बिरला को नहीं मिला बैंक का लाइसेंस, तो आज जो भी कंपनियां, जो भी बैंक फेल होगी तो खरीद लेंगे ना उसको, कि भाई ये हम खरीद रहे हैं। बेसिकली टाटा अंबानी का यानी वो जो उनका पड़ी हुआ पहला मेरा मिस टाइम पहले एक कहते ना कि एक सीगुल करके एक प्रॉम्प्ट आया था कि मान लो कि कोई की एंटिटी बैंक में भी है, इंश्योरेंस में भी है, इंफ्रा में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तो एक ही एंटिटी के पास काफी सारा पावर आ जाता है और वो कहते ना नहीं, वो नहीं सकते हैं। तो उस रीजन की वजह से उनको लाइसेंस नहीं दिया गया था, मीन्स लेट्स से अभी उनका बैकग्राउंड उनको सबको लाइसेंस मिले हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं है साहब, वो क्या है कि अभी ये सारे बैंक जितने हैं अब ये लोन सब ओन करेंगे, और आप साल भर रुक जाओ आप देखिएगा यस बैंक ये 4-5 में से कोई एक जन खरीदेगा। जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे ये जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स हैं उनको जो बेचने की बात हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये सारे ये जितने छोटे छोटे बैंक्स हैं उनको बैंक का लाइसेंस इसीलिए नहीं दिया गया कि भाई हम ये जितने बैंक्स हैं ये बेच देंगे। तो उससे एक तो क्या है, लाइसेंस में कितना आता है देश को, 1000 करोड़। जब ये बैंक बेचेंगे तो 1-1 लाख करोड़ रुपया देश के पास में आएगा एक एक बैंक से। और आज इनको मस्ट हो गया है एक एक बैंक अपना खुद का लेने का, क्योंकि तो इनकी इतनी ट्रांजेक्शन और इतना पैसों का हिसाब किताब हो रहा है कि ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनको खुद को अपना बैंक लेके चलाने का वो मतलब आज के तो उसी का ही प्रोसेस चल रहा है सारा।
ये जितने जो नियम कानून अभी सारे देश में बन रहे हैं, अब इससे ये भी एक मापदंड होता है कि आपको कंपनी में ये भी देखना है कि उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, उसका लीगल फैक्टर्स क्या क्या है, वो जो प्रोडक्ट में डील करता है उसका लीगल फैक्टर्स क्या क्या है, लाइसेंस इश्यूज क्या क्या हैं, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो लाइसेंस के ऊपर चलती है, तो वो कंपनी का अपने आप में ही दाम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि भाई आज अगर वो लाइसेंस गवर्नमेंट ही दे रही है और दूसरा कोई उसको अपने से नहीं कर सकता, तो मोनोपोली हो गई एक तरह से। जब तक वो लाइसेंस होल्ड कर रहा है वो मोनोपोली चलेगी, और जब वो लाइसेंस उसका खत्म, अगर वो रिन्यू नहीं कर रहा है तो वो खेला खत्म। तो वरुण जी, तो वैसे तो आपने ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पे ये लाइसेंस पे ही चलती है, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का हमने देखा हुआ है कि लेट्स से भारतीय एयरटेल जो काफी लीडिंग कंपनी है वो 10-12 साल से एक कंसोलिडेशन पैच में ही चल रही है। हाँ तो आज भारती आउट तो नहीं है, अभी टाटा डोकोमो आउट हो गई, लेकिन ये सबको लग रहा है कि आउट हो गई। इसमें दो चीजें, वही इसमें एक और चीजें भी हैं कि अब जैसे आपका वो एक एक ग्रुप का कोर बिजनेस होता है, जैसे रिलायंस आज के दिन है क्योंकि उसका खाली एक ही बिजनेस था, ऑयल। पहले कपड़े में थी, पॉलिस्टर यार्न वगैरह, और फिर बिमल वहाँ से हाँ बीमन, और फिर उसको उसने पूरा ही साइड ऑफ कर दिया और खाली फोकस उसने ऑयल पे किया। अब आप वो ऑयल से बाहर निकल गई है और अब वो पूरा फोकस टेलीकॉम पे कर रही है, क्योंकि ऑयल में एक सेचुरेशन आ गया है और अब आने वाले टाइम में आदमी ऑयल को हटा के उसका सब्सटीट्यूट लाएगा, तो ऑयल एज अ प्रोडक्ट अब बस्ट करेगा। तो अब ये सोच लीजिए कि वो कितने दिन में बस्ट करेगा, आपको वो कैलकुलेट करना होगा। तो जब तक उस नया सब्सटीट्यूट आ के और उसकी अवेबिलिटी मार्केट में कब तक आती है, तो तब तक तो हमारा ये ऑयल जिंदा रहने वाली है, तो तब तक रिलायंस जो कंपनी है वो जिंदा रहने वाली है। अब अगर मान लीजिए रिलायंस जो कंपनी है वो ऑयल का सब्सटीट्यूट खुद ले आती है ऑयल की जगह और उसको ट्रेड करती है, तो वो फिर वो और उतने दिन जिएगी, वो और उतने दिन चलेगी। तो आपको वो सारे कैलकुलेशंस हैं, फंडामेंटल है ये सारे फंडामेंटल कैलकुलेशंस और बेसिक है। मतलब इसके लिए आपको कोई ये नहीं थी कि कोई किताब पढ़ना है, आप डेली इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे तो उससे ज्ञान हो जाएगा आपको। आप टीवी देखते हो, न्यूज़ सुनते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, बाजार में बातें करते हो, उससे आपको नॉलेज गेन हो जाएगा और उससे एक माइंड में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी चलेगी कौन सी कंपनी नहीं चलेगी। अब जैसे दवाई की कंपनियां हैं सब लाइसेंस होल्डर, लाइसेंस पे चलती है, तो वो ग्रो करेगी करेगी। फार्मा इंडस्ट्रीज में जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो बनी उनका हमने एक काफी अच्छा फेस देखा था 2008 से लेकर 2012 2013 तक, उसके बाद में काफी नीचे आ गए। तभी यानी काफी सारे ये कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बेस पे जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के आईपीआर खत्म होने वाले थे, तभी आपने अपनी इंडस्ट्री को जेनरिक का एक काफी अच्छा जेनरिक ड्रग मेकर्स को काफी अच्छा मूव मिला और वहां से हमने एक फार्मास्यूटिकल्स में बर्स्ट मिला हुआ था। हाँ नहीं तो फार्मा में अभी आपको आप करंट फेज में, फिर फार्मा में अब लोगों का रुझान जो है वो वेलबिंग के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में अब ज़्यादा जाएगा, तो फार्मा इंडस्ट्री फिर ग्रो करेगी। और अब और रैपिडली, मतलब अभी जो स्पीड है वो पहले से ज़्यादा होगा, क्योंकि कोरोना के बाद जो है ये तो अभी। और दूसरा क्या है कि आप एक चीज देखिए, प्राइस को डिस्कवर किया जाता है, तो जब हम प्राइस को डिस्कवर करते हैं कोई भी चीज़ का, वो डायनेमिक प्रोसेस है, वो ऊपर नीचे लिया बेची चलता रहेगा। तो आप प्राइस पे अगर कोई चीज़ को कैलकुलेशन करोगे तो आप मार खाओगे ही खाओगे, क्योंकि प्राइस इज नॉट ए कॉन्स्टेंट, और हम बिजनेस करते हैं तो कॉन्स्टेंट चीज़ों पे करते हैं, साफ फ्लक्चुएशंस पे नहीं करते। वोलाटिलिटी अभी आप सपोज करिए कि अगर मान लीजिए मेरा बात का वैल्यू नहीं रहेगा, अगर मैं हर सेकेंड बात चेंज करूंगा, तो आप मेरे से डील करोगे क्या?
वेरी सिंपल बेसिक फंडामेंटल, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए। तो अब जैसे टेलीकॉम में आप बोल रहे हो, मैं टेलीकॉम में सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी फेल हो गया क्यों हुआ? क्योंकि वो 2G या प्रोडक्ट या कंपनी के लिए फेल नहीं हुआ, कि उसने लोगों का पैसा घर लेके उड़ा दिया। तो अगर कोई कंपनी में पैसा आ रहा है, वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा आपको दिया गया है कंपनी चलाने और ग्रो करने के लिए। अगर वो 2G की जगह 3G और 4G पे इन्वेस्टमेंट करता, तो आज के दिन वो मुकेश अंबानी से बड़ा आदमी रहता। मगर उसकी कंपनी ने क्या करी, रिलायंस इंफोकॉम जो उसका कंपनी था, फिर उसके बाद में उसका रिलायंस पावर, साहब लोग बाग 400-400 रुपये में, 250-250 रुपये में उसका इशू लिए है। मेरा मैं बहुत मना किया लोगों को, साहब बहुत मना किया, मेरे को बहुत गाली पड़ी लोग बाग, मतलब आप सोचिए। और वो डूब के सकते, मतलब वो 400 में लेके 40 रुपये तो उनको उसी समय दिखा दिया। वरुण जी, आपको नॉर्मली जब आप बाय करते हैं तभी होल्डिंग पीरियड नॉर्मल, लेट्स से आपके जो भी कुछ एग्जिस्टिंग होल्डिंग होंगी, मैं जैसे कितने टाइम से होल्ड किया हुआ है आपने? जनरली मैं जो भी है वो होल्ड है, बेचना नहीं है। अब उसको क्या है कि अपना जो भी मान लीजिए पैसा आए वो बाय कर लो। अब उसमें मैं ज्यादा कंपनियों में नहीं जाता, मतलब आज सपोज करिए कि भाई ओनरशिप आपको लेनी है, अगर मेरे को ओनरशिप लेनी है तो मेरे को उसी हिसाब से सोचना होगा। तो आप एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी या मैक्सिमम 5 कंपनीज, नॉट बियॉन्ड दैट। तो जैसे 2-3 कंपनी है जो कि वो पड़ी है और उसमें ले लेके डालते रहो। तो जैसे गोल्ड है, आप गोल्ड कभी मरने वाला नहीं है, तो मैं जब भी बेचने जाऊंगा उसका भाव मिलेगा मेरे को, तो गोल्ड खरीदते रहो, गोल्ड खरीद खरीद के डालते रहो। आपका जैसे आप बेसिकली ज्यादा अपने को बैलेंस शीट स्टडी नहीं करना, क्योंकि जितने म्यूचुअल फंड और जितने जो ये बड़े बड़े रिसर्च कंपनियां हैं वो सब रात दिन स्टडी करने के बाद में निफ्टी 50 में 50 बेहतरीन कंपनियां डाल दिए। आप उन कंपनियों में से जो बिजनेस आपको समझ में आता हो उस कंपनी को उठा लो, और वो अब जैसे टाटा स्टील, हमको स्टील समझ में आता है, जो आपका बिजनेस आयरन और स्टील समझ में आता है, आयरन और समझ में आता है, आपको ऑयल समझ में आता है, ठीक है। मेरा बेसिकली सॉफ्टवेयर से मैं खुद भी रिलेटेड हूँ, तो मेरे को सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी की भी समझ में आती है कंपनी में। मगर टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपको आप कभी भी डब किए जा सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब आधी रात को भी कंपनी इंफोसिस जैसी कंपनी पता चलेगा उसका डब्बा बंद हो गया। तो ये कंपनी हुई शॉर्ट टर्म, जिसमें रखना नहीं है मेरे को, हर 3 महीने 6 महीने में अपना या साल भर में देखा निकलो, मतलब बेचते चलो, इसको बेचते चलो लेते चलो, ये ट्रेडिंग के हिसाब से चलते रहते, लिया बेची करते रहते। और जैसे रिलायंस है, टाटा स्टील है, हिंदुस्तान लीवर है, आपको आप इन कंपनियों को, डॉक्टर रेड्डी है, रेडबैक्सी है, तो इसको मेरे को कभी बेचना नहीं है। विप्रो है, ITC है, ITC तो आप सिगरेट फूकेगा ही फूकेगा लोग का। तो ITC लेट्स से ITC का केस है, तो ITC के बारे में अभी काफी मेमेस भी आ रहे हैं कि 200 रुपए का भाव कहां पे भी जितना भी ऊपर नीचे आ जाए थोड़े दिन में 200 रुपए का भाव आ जाएगा, तो वो आप पेन झेल लेते हैं कि लेट्स से 3-5 साल तक स्टॉक एक ही लेवल पे रहता है सेम? मैं 15 साल से होल्ड कर रहा हूँ ITC। अच्छा, 20 साल सॉरी
अब मैं मतलब उस समय से जो ITC होल्ड कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, स्टेट बैंक है, मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो में वो सारी कंपनियां हैं जो आज 20-30 साल से हैं और आगे 30-40 साल 50 साल तक उनका कुछ होने वाला है। अरे वरुण जी, उसका तो फिर पर्पस क्या है? मींस लेट्स से कि जो हम खरीदते हैं वो कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, सब तो लेकिन प्रॉफिट तो आपका आप ऐसा आप अगर आप स्टॉक मार्केट को समझो तो वहाँ प्रॉफिट आपको कमाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट तो कंपनी कमा के दे रही है आपको। देखिए स्टॉक मार्केट क्या है भाई, जो ओनर है वो स्टॉक मार्केट में अपना स्टॉक लेके आता है आपसे पैसों के लिए, तो आप उससे पैसे वापस ले लोगे तो काम कैसे करेगा? वो बोलता तू इन्वेस्टेड रहेगा, मैं कंपनी काम करूंगा, तेरे को पैसा कमा के देता। अब साहब ये क्या है आपको कि 10 साल बाद जब मैं रिटायर ले लूंगा तब शांति से जी सकूंगा, मेरे को सोचने का नहीं है, टेंशन नहीं है, या मेरे को लड़की की शादी करनी है या मेरे को बड़ा घर बनाना है। तो जो भी आप लाइफ से कि भाई काम अभी आप कर रहे हो, पैसे आप अपने उसमें कमाओ ना भाई खुद से, और ये आप एज ए इन्वेस्टमेंट उसी को बोलते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट आपको आपका मतलब जब आप काम नहीं करोगे तब उसके बाद में आपको पैसे चाहिए। हम मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्यों दूँ या इन्वेस्टमेंट कंपनी को क्यों दूँ? मेरे को एक बात बताइए ना भाई, मैं खुद बिजनेस करता हूँ, मैं खुद कमा लूँगा, आप मेरे को दो ना पैसे, हर साल आप प्रीमियम मेरे को देते रहो, इन्वेस्टमेंट मेरे को देते रहो, मैं कमा के दे दूंगा आपको। बेसिकली आपका नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है वो होता है, उसमें आपका इन्स एंड आउट्स नहीं होते हैं, आप शायद यानी ज्यादातर डिविडेंड्स पे फोकस करते हैं जो आपका एक रेगुलर इनकम। नहीं नहीं मैं डिविडेंड नहीं साहब, मैं ग्रोथ पे फोकस करता हूँ कि कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है, कौन सा प्रोडक्ट ग्रो करने वाला है, कितना ग्रो। आज हिंदुस्तान लीवर है साहब, उसका वेरी सिंपल है, जितने लोग ग्रो करते जाएंगे हिंदुस्तान लीवर उतना ग्रो करते जाएंगे। अब हिंदुस्तान लीवर की जगह कई और कंपनियां छोटी आ गई हैं इसमें, अब जैसे जो पोर्टफोलियो में चेंज ओवर है, अब जैसे इमामी है, टुडे इमामी इज गेटिंग गुड मार्केट शेयर इन दिस फील्ड, तो आप हिंदुस्तान लीवर क्योंकि अब बहुत कॉस्टली हो गई तो उस जगह में आप कॉस्ट फैक्टर देखते हुए इमामी को ले सकते हैं, इमामी को होल्ड कर सकते हैं। तो आपको ये देखते रहना पड़ेगा कि इस सेक्टर में कौन सी नई कंपनी आ रही है, कौन सी मीडियम कंपनी हो गई है, और उनके जो जो ओनर है उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है, उनका जो पैसे का कैश फ्लो है, कैश कहाँ जा रहा है। आपको बेसिकली खाली यही देखना है कि कैश कहाँ जा रहा है, कंपनी हर साल प्रोडक्शन कितना कर रही है और किस कॉस्ट पे कर रही है। तो ये 3-4 अगर आप बेसिक चीज़ें देखोगे तो इससे बेसिक आपको और कुछ देखने कि भाई कंपनी जिंदी है और मेरे को कमा के दे रही है, तो आपको वो मतलब आपका वो बेनिफिट होगा ही होगा, उसमें कहीं आपको दाग लग ही नहीं सकता। अच्छा और आपको एक और बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपको पहले सर्च करना, आप म्यूचुअल फंड कंपनियों को उनका पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए, 10 म्यूचुअल फंड का आप उठाओगे, आप एक्सेल शीट लो, जैसे मैं एक और आपका जो मेरा फॉर्मूला है वो देता, जैसे म्यूचुअल फंड की जो पोर्टफोलियो है, जो म्यूचुअल फंड वो बेचने के लिए आए मेरे को कि भाई सर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उसमें जो स्कीम देते रहते हैं, तो मैं उनका स्कीम उठा लेता और उसको एक्सेल शीट पर डाल देता कि भाई वो किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, वो किस में से मेरे को कितने दिन में वो कमा के देने वाले। आप सपोज करिए 10 जन आपके पास आए, 10 जन का आप 10 पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा, जो जो वो आपको प्रोडक्ट बेचने आया उसी का आप ले लीजिए। अब वो जो बेचने आया उसका जितना परसेंटेज उसने डेक पे लगाया तो आप FD में डाल दीजिए सीधा उठा के उतना,
अब वो मान लीजिए सबकी पोर्टफोलियो में 10-10 कंपनियां हैं, अब जो सब में कॉमन है उसको उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिए, तो आपको 4-5 कंपनियां ऐसी मिल जाएंगी जो आपका पोर्टफोलियो बना देगी। एक गोल डाल दीजिए तो आपको ये डाइवर्सिफाइड मिक्स बैग पूरा आपको एक तो आपका पोर्टफोलियो बन गया। अब वो बोलते हैं 1,000 रुपया हर महीने मेरे को दो, तो आप अपना 1,000 रुपया हर महीना आप अपने पोर्टफोलियो को दे दो, तो अब उसमें 1,000 रुपये में आप बोलोगे कि भाई सब तो मैं रोज नहीं खरीद सकता या हर महीने नहीं खरीद सकता, तो वो सब आपको कि भाई मेरे को इस महीने सोना खरीदना है, इसमें नहीं ये खरीदना, इसमें नहीं खरीदना, और जिस महीने जो खरीदना जो भाव है उसमें खरीदना है, या पैसे इकट्ठा करो और जब तो कभी भी भाव का इंतजार नहीं करना चाहिए कि साहब ये गिर जाएगा तो लूंगा या पड़ जाए। तो आप गोल्ड मैंने दे दिया था 2006 में, मैं आज तक नहीं पकड़ पाया वो भाव का गोल्ड। 2006 यानी 8-9 हज़ार का भाव होगा उस टाइम पे। हाँ वही बोल रहा हूँ, उस 2006-07 में मैंने बेचा था, कुछ गोल्ड जरूरत थी साहब, वो मैं सोचा था कि उसको 2-4 महीने में पकड़ लूंगा फिर से, तब आज तक नहीं पकड़ पाया वो, तो वो जो गया सो गया। तो इसीलिए क्या है कि आपको वो भाव का इंतजार नहीं करना। तो वरुण जी, लेट्स से कहने आपके ने काफी पैसिव स्ट्रेटेजी रही है कि आपको बाय करना है होल्ड करना है, तो अभी ने मार्केट में काफी सारे कितने एक्टिव फंड्स होते हैं, तो एक्टिव फंड्स एक टाइम के लिए काफी अच्छा कर रहे थे मार्केट में, लेकिन अभी मार्केट का रुझान कहाँ ना कहाँ पे एक पैसिव फंड की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि वहां पे उनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, ETFs की चलन जो है वो फॉरेन मार्केट्स में काफी पिक कर रही है, अपनी अभी अभी मार्केट में हमारे यहाँ मार्केट अभी अभी आना चालू हुआ है, तो आपका कुछ थॉट पैसिव फंड्स के लिए या ETF के लिए? पैसिव और ये सब मेरे को उतना नहीं समझ में आता था, लेकिन ETF तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड हो गया आपका, जो हम शेयर मार्केट शेयर के जैसे मतलब स्टॉक्स के जैसे उसको ट्रेड करते हैं। हाँ, जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है वो एज अ शेयर की तरह ट्रेड करते हैं। हाँ, ट्रेड है वो एज अ शेयर की तरह ना, वो एक्चुअली एक कंफर्टेबल है आपका बेसिक फंडा, तो यही है कि अगर वो पोर्टफोलियो में उसका मेटेरियल अगर ठीक है तो ही ना वो काम करेगा सर। तो आप आँख बंद करके निफ्टी 50 उठा लीजिए, आपको 15% ग्रोथ हर साल है कंपाउंडेड, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे डिस्कशन में निफ्टी 50 का जिक्र काफी बार किया हुआ है, तो लेट्स से जो आप स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो निफ्टी 50 से ही होते हैं कि कभी आपका ध्यान कहां ना कहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी जाता है? हां, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जाता है, तो वही सारा चीज रिलेटेड वही रहता है कि भाई कंपनी क्या है, कंपनी का काम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद में वो कंपनी की मतलब वो मरेगा कब, अगर वो दिखा कि मेरे को ये सारा मरने वाला है या ये मतलब मेरे को डुबाएगा, मतलब मेरे को इसका समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं जाना सर उसमें, क्योंकि साहब हम इतना हाथ जला चुके हैं ये छोटी कंपनियों में, तो साहब जरूरत क्या है मेरे को एक बात बताइए ना कि हम निफ्टी 50 को ही खाली अगर करेंगे, 50 कंपनी है सर, 50 कंपनी को ओनरशिप, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 5 कंपनी को आपको ओन करना है मैक्सिमम, क्योंकि आप एक कंपनी को ओन नहीं कर पाओगे, मैं तो 5 की बात कर रहा हूँ, ओनरशिप बोल रहा हूँ सर, कि मेरे को कल को डूब जाएगी तो खरीदना है, मैं खरीद के चला लूँगा। अगर आप ये मानसिकता अगर जब रखोगे तो आप खाली वही चुनोगे और उसी पे डालोगे जो आप संभाल सकते हैं, जिसको आप जो आपको समझ में आता है। तो आप जैसे आज साहब बोलता रहा मैं, समझे श्याम टेली पेंटा सॉफ्टवेयर साहब KP10 जो है साहब, मतलब उस समय साहब वो आप हम लोग सेल सेल में 6 रुपये में हम लोग ऑक्शन में ट्रेड करते थे, मतलब 3 रुपये का भाव स्पॉट में होता था और सुबह 3 रुपये का भाव है, शाम को हम लोग 7 रुपये में ऑक्शन में बेच रहे हैं,
एक एक दिन में पैसे डबल किए हुए हैं। उस समय तो ये आपका नहीं था, ऑप्शंस का नहीं था। उस समय क्या है, जब फिजिकल शेयर से ये डीमैट में गए तो क्या है कि कुछ लोग होते तो मतलब उस समय ऑप्शन सिस्टम था, ऑप्शन तो आज भी है शायद मेरे ख्याल से, लेकिन उस समय क्या ऑप्शन में प्राइस अच्छा मिलता था क्योंकि आदमी बेच देता था और उसके पास में फिजिकल जो है वो लगा नहीं पाता था क्योंकि डीमैट हो गया, उसको डीमैट करा के फिर उसको डिलीवरी देनी है। तो जिनके पास में डीमैट में होता था वो कमाते थे फिर, तो क्योंकि हम लोग ब्रोकिंग हाउस थे तो हमको मालूम था कौन मरने वाला है या कौन बेटा बेच के अपना हीरो बना हुआ है, तो हम उसको ऑक्शन में टेक देते थे। तो आप सोचिए अपने सेल मार्केट का ये रुझान रहा हुआ था कि आपने 2007 का भी फॉल देखा, इसके बीच में भी काफी सारे फॉल्स आए, तो उस फिर को आपने कैसे मैनेज किया वैसे साइकोलॉजिकली, क्योंकि आप एक कंपनी चल रहा है और अचानक से 60-70% उसकी वैल्यू इरोड हो जाए। और ले लो सर, मैं मेरा तो कॉस्ट मेरे को तो सब लेना है, तो मेरे तो भाव अब मेरे को तो जितना गिरेगा मरेगा भाव तो उतना अच्छा है ना सर। अब सर आप सोचिए, आज मैं रिलायंस खरीद ही नहीं पा रहा सर, इस भाव में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा रिलायंस, मतलब 800 के बाद में मैं खरीद ही नहीं पाया। आप सोचिए 800 तक में मैं रिलायंस खरीदा, लेकिन 800 के बाद में खरीदने का इच्छा ही नहीं हुआ क्योंकि बहुत हाई प्राइस लग रही है। तो जो है वही जितना मान लीजिए ग्रो करेगा करेगा कर जाएगा। गुरु जी आपके लिए 24 घंटे में आप मार्केट को कितना डिवोट करते हैं? मैं साहब अब तो बेची नहीं, आधा एक घंटा। अच्छा, और वो उस आधे घंटे में क्या होता है आपका, यानी और कुछ रीडिंग? कुछ नहीं सर, सारी चीजें मैंने एक्सेल में अपना बना लिया है, मतलब आप सोच लीजिए कि कंप्यूटर काम करता है, मैं नहीं करता। तो सारा जितना जो भी जैसे आप टेक्निकल भी है, मैंने निफ्टी का पूरा बिहेवियर पैटर्न बना रखा है। आप जो चार्ट पे देखते हो मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, निफ्टी का रोज का खाली डाटा उठा के उसमें डाल देता हूँ और उसका बिहेवियर क्या कैसे हो रहा है सब सामने आ जाता है। मेरा नेक्स्ट पहलू वही था कि आपके इन पर्टिकुलर ये जो आपने एनालिसिस कहा, फंडामेंटल की तरफ भी बताया, आपने अपनी थॉट प्रोसेस भी बताया कि एज ओनरशिप पे आपने ज्यादा भार दिया हुआ है, तो ओनरशिप जो आपकी फिलोसॉफी रही हुई है वो फिलोसॉफी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स रहे हुए थे, प्रोडक्ट को जानो, फिजिकली जानो उन सब चीजों को, तो इन सभी चीजों में टेक्निकल्स कहाँ पे आता है, वो आपके लिए क्या रोल करता है? टेक्टिकल्स में वही आ गया ना सर कि देखिए, एक होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर एक होता है प्रोडक्ट का मार्केटिंग और एक होता है प्रोडक्ट का सेल्स। तो टेक्निकल जो है वो सेल्स वाला पार्ट है, और इस सेल को कैसे करना है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है, मार्केटिंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स है और इंश्योरेंस कंपनी है, और एक्चुअल ओनर जो है वो मैन्युफैक्चरर है। तो स्टॉक मैन्युफैक्चर किया है ओनर ने, वो पकड़ा देता है इन फंडों फंड के हाथों में कि भाई मार्केटिंग करो, मार्केटिंग वाले, और ये फिर पकड़ा देते हैं ब्रोकर्स और ऑपरेटर्स को कि लो भाई बेचो। और ये ब्रोकर्स और ऑपरेटर्स कैसे बेचते हैं कि भाई ये जो डंडी है ये इधर जाएगा तो खरीदना है और ये डंडी अगर इधर आएगा तो बेचना है। सारी दुनिया आज के दिन वो टेक्निकल उसी में ही लाइन खींच खींच के ले रही है और बेच रही है, और किसको पैसा कमाई होता सर मेरे को एक आदमी दिखा। वरुण जी जो रेगुलरली स्टडी करते हैं और हमने देखा भी है, मींस उनका आगे का नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में आए हैं और जिस हिसाब से अपने एनालिसिस कर रहे हैं, नो डाउट कि ओनरशिप इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ओनरशिप के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, जैसे आपने भी काफी सारे चोटें खाई हुई है जो ने कैपिटन के उस टाइम पे। साहब मैंने बहुत स्पेकुलेशन किया,
मैंने तो खाली स्टॉक मार्केट में, एक्चुअल अपने बिजनेस में और कई भी चीज़ों में भी स्पेकुलेशन किया है, रिस्क लिया हुआ है। मतलब आप सोच लीजिए कि यहाँ लोग, आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए का रिस्क लेने में, 10 लाख रुपए का रिस्क लेने में आज आदमी को टेंशन होता है। 1-1 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए का रिस्क लिया हुआ है, उसको झेला भी है। आज मान लीजिए आप लोन लेते हैं, आप लोन वेरी इजी, आज एक घर ले लिया आपने लोन में, 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, घर ले लिया, अभी आप उसको चुकाओगे कैसे? जब तक चुकाओगे नहीं वो घर आपका नहीं, आप कर्जे में चलोगे। आज आप मान लो बिजनेसमैन हो तो आपका उतार चढ़ाव है, बिजनेस काम किया तो पैसे चुका दोगे, नहीं किया तो डूबना तय है। अगर नौकरी है तो आज नौकरी में आप इसका ले लो, किंगफिशर का, किंगफिशर ने सबको सैलरी दिया, सबने उस सैलरी का यूज घर खरीद लिया और वो आज सारे रोए और उसमें कितने लोग मरे। तो वैसे ही ऐसा स्टॉक मार्केट में भी आप रिस्क, बल्कि स्टॉक मार्केट में रिस्क कम है, स्टॉक मार्केट में रिस्क डिफाइंड है। आपको खेलने, मतलब आपको उसको डील, उसको अगर समझ में आ जाएगी चीजें, उसके डील करना आ जाएगा तो इससे बढ़िया चीज नहीं है। आज साहब हम बिजनेस करते हैं, आज कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कल को मेरे को अगर पार्टी पेमेंट नहीं देगा मैं क्या करूँगा? साहब केस लड़ता रहूँगा। मतलब पहले तो पैसा का नुकसान हुआ और फिर पैसा निकालने के लिए, तो वही सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी है साहब। अगर मैंने कोई गलत सौदा कर लिया और अगर उसके भाव टूट गए तो नुकसान तो मेरी गलती है ना, होना ही है। मेरे को वो ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, कितना लेना है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो जब तक आप एक, जैसे आप इसे बिजनेस की तरह डील करोगे, बिजनेस के अपने पूरे उसके नियम कानून बनाओगे, जैसे हम एक फैक्ट्री चलाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, आप आयरन ओर ट्रेडिंग करो चाहे स्टॉक की ट्रेडिंग करो, तो दोनों में फर्क कुछ नहीं है, दोनों ट्रेडिंग है, मगर यहाँ फिजिकल चीज हाथ में है बोल के घबराहट नहीं होती, या फिजिकल चीज हाथ में नहीं है बोल के घबराहट होती। अब साहब चाहे आज, अब मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं मान लीजिए ले लिया, अगर थोड़ा भी उसमें अगर स्पेकुलेट किया हुआ चीज और थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे फिर वो टेंशन चालू हो जाता है। मतलब टेंशन बहुत जोर टेंशन, फिर वो कि कल को अगर ये पूरा बस्ट हो गया तो मेरा तो गया, और मैंने मतलब मैं 100 रुपया की जगह मैं 1,000 रुपया देना पड़ेगा। आज और पहले में फर्क यही है खाली कि साहब आज के दिन ये भी चीज डिफाइन हो गई है, पहले हमारी ये चीज डिफाइन नहीं थी साहब। पहले हम साहब ब्रोकर के यहाँ या हमारे यहाँ जो क्लाइंट आता था उसके जेब में 100 रुपया है कि नहीं है, वो 10,000 रुपये का सौदा करके चल जाता था, और हम भी वैसे ही थे कि साहब जेब में 100 रुपया है कि नहीं, 10,000 रुपये का सौदा जरूर कर लेंगे। तो अब साहब उसमें से मान लीजिए कि वो अगर 5% भी टूट गया तो 5,000 गया ना भैया आपका, आंसर 500 रुपया गया ना आपका, 100 रुपया जेब में नहीं है, आपको 500 रुपया कहाँ से दोगे? तो टेंशन का काम तो आपने खुद किया। तो जो पहला चीज मैंने सीखा कि भाई कोई भी लीवरेज नहीं लेना, मतलब यही, मतलब जितना पैसा है उतने का ही काम करें। अब सब हमारे यहाँ जो भी आते थे जनरली उस समय में हम लोग रिटेल क्लाइंट को ज़्यादा डील करते थे, और हमारे पास में जो रिटेल क्लाइंट आता था साहब वो 1 शेयर, 10 शेयर, 5 शेयर, मतलब 100 रुपये वाला शेयर को भी 5 शेयर, 10 शेयर करके वो ट्रेड करते थे, और हम लोग टर्मिनल में बैठ करके वो 10 शेयर का डील मारते थे तो गुस्सा आता था कि भाई 10 शेयर का डील कर रहा है,
लेकिन साहब अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, वो अपना सही था। मैं ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ठीक हूँ कि भाई मेरा क्लाइंट जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। अब सर स्टॉक मार्केट में एक जो मेन आदमी पैसा कमाता है वो ब्रोकर होता है। जितने ब्रोकर आप देख लो वर्ल्ड में वही पैसा कमा रहे हैं और कोई पैसा नहीं कमा रहा। तो सेल्स गाय ही उसके मजूरी का पैसा उसको मिलता है वही कमाता है। जो ब्रोकर खुद का सौदा चालू कर देता है वो मर जाता है, वो जल्दी मरता है। जैसे मैं तो उदाहरण हूँ, मेरी बंद हो गई टर्मिनल, और टर्मिनल के सामने आप बैठ के सोचते हो कि भाई ये 5 रुपया मैं अभी निकाल लूंगा क्योंकि प्राइस में देख रहा हूँ, वो तो कभी निकलता नहीं है सर। आप कितने बड़े धुरंधर हो कुछ भी हो, इतना अब सर टेक्निकल का आप बात करते हो, व्हाट इज टेक्निकल? आप कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए? आपको टेक्निकल अगर समझना है तो आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए, 10 एस्ट्रोलॉजर से आप मिलेंगे। आपको टेक्निकल का जितना आज तक का आपने पढ़ाई किया उसका 10 टाइम्स आपको ज्ञान हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा वैसे, यानी आपके अंडरस्टैंडिंग में टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजर के पर्सपेक्टिव से? दोनों चार्ट हैं, वो आपकी लाइफ का चार्ट, आपको आपकी लाइफ का चार्ट बताता है, आप मार्केट की चार्ट बताते हो, वो आपकी लाइफ हिस्ट्री बताते हैं, आप मार्केट की हिस्ट्री बताते हिस्ट्री हो, बता दूंगा। कोई फर्क नहीं है सर। मतलब आप जो काम कर रहे हो वो एस्ट्रोलॉजर वाले ही काम कर रहे हैं कि भाई मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं, और उस प्रेडिक्शन के ऊपर आप ट्रेड लेने का प्रयास कर रहे हो, और उसमें आप अपना सक्सेस रेशियो खोजते हो कि मैं जो प्रेडिक्ट किया इंटरप्रेट किया मैं कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, और वो खोजते खोजते आपका 10 साल 20 साल निकल जाता है सर। पता चलता है कि मैं तो कहीं नहीं, वहीं का वहीं घूमते रहेंगे, और इसमें कई वरुण जी, ऊपर नीचे। यहाँ पे मैं अपनी इनसाइट्स देना चाहूंगा कि लेट्स से कि जो भी है पैसा, कोई फंडामेंटल करता है, कोई टेक्निकल करता है, एस्ट्रोलॉजी में है, या फिर आपकी जैसे अपनी आपकी खुद की थियरी है, और नॉर्मल जो भी हम बिजनेस करते हैं, तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन हमेशा भविष्य के लिए होता है। डिसीजन का हम दूसरा शब्द तो बोले तो हम कह सकते हैं वो प्रेडिक्शन है, लेकिन वो डिसीजन का जो रूप होता है वो कहाँ ना कहाँ पे हिस्ट्री में ही आता है। आप इन स्पॉन्ज का, टाटा मीन्स मेटल्स का बिजनेस करते हैं, नहीं, कर सर रहे हैं, तो मैं वो आप डील कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपका रूट तो हिस्ट्री ही रहेगा। तो टेक्निक नहीं नहीं सर हिस्ट्री देख मैं रहे आपको हैं। इसमें करेक्ट करता हूँ। उसमें साहब आयरन ओर हम हमारे फोर फा मतलब फादर फोर फादर्स डील करते आ रहे, आज हमें 60 साल से ऊपर हो गया आयरन ओर में। पहले साहब हम रोते थे आयरन ओर खाली, क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते थे तो उस समय हम महान थे बिकॉज हम मजदूरी करते थे, और माइन ओनर रोता था क्योंकि उसे हमें पैसा देना पड़ता था और उसके पास पैसे होते नहीं थे। हमने माइन ओनर्स को देखा हुआ है जब वो 5-5 रुपये के लिए तकलीफ में रहते थे। आज के दिन साहब हम लोग की कोई जान गिनती नहीं है, और माइन ओनर आज के दिन किंग है क्योंकि उसका 4 रुपये का चीज जो है वो आज 4,000 रुपये का चीज हो गया, और उसके पास में डिपॉजिट्स हैं जिसे अब वो निकाल निकाल के बेच रहा है और उसे लिक्विडेट कर रहा है। तो उसने अब आप इसी से देख लीजिए कि वो डिपॉजिट को उसने मतलब संभाल के रखा, तो इसलिए वो आज मलाई खा पा रहा है। अगर वो प्राइस के हिसाब से अगर उसने उस समय तकलीफ में बेच के निकल गया होता तो वो कमा पाता क्या? अब आपको एक और उदाहरण देता हूँ जब कि आप टेक्निकल और जो आप इसकी जो बात कर रहे हैं, अब जैसे आज ब्रोकर है सर, तो कितना पैसा मिलता है उसको
साहब हम तो उस समय 1 रुपया 2 रुपया इवन 5 रुपया 10 रुपया भी चार्ज होता था, आज तो साहब 5 पैसा 10 पैसा 10 पैसा भी काफी कहा जा रहा है। बहुत हाई कॉस्ट हो गया 10 पैसा आदमी का, ठीक है ना। मगर आज वॉल्यूम इतना हो गया, उस समय वॉल्यूम नहीं था इतना, वॉल्यूम मतलब 2002 से आज मैं वॉल्यूम अगर देखूँ तो 100 टाइम्स वॉल्यूम्स, नॉट इवन 10 टाइम्स, 100 टाइम्स वॉल्यूम में ग्रोथ आया है। तो अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो आज भी 10 रुपये ही चाहता है। जो कॉस्ट है ब्रोकर वही कमा रहा है, ब्रोकर के कमाई में फर्क नहीं पड़ा, प्राइस में फर्क पड़ गया लेकिन ब्रोकर की कमाई में फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं 10 पैसे देख करके अगर बांध लीजिए छोड़ दूं, आप जो चीज बोल रहे हो वो यही है कि भाई प्राइस देख के अगर मैं चीज छोड़ दूं तो गया मेरे हाथ से। छोड़ अब साहब उस समय हम आर्बिट्रेज करते थे, आर्बिट्रेज मतलब आपको पैसे अगर स्टॉक मार्केट में कमाना हो तो यू डू ब्रोकिंग, यू डू आर्बिट्राज, और इसके दो के अलावा तीसरा कुछ है नहीं। जो आपने थियरी बताई अभी आपकी ओनरशिप वाला, हाँ वो तो है, आप उसको जब भाई आपके पास माल होगा तभी ना आप ओनरशिप कर सकोगे। तो ओनरशिप तो मनी अगर है तो कैपिटल है तो आप ओनरशिप कर सकते हो, वो थ्योरी तभी चलेगी। और अगर कैपिटल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं आपने कैपिटल नहीं है तो भी मजदूरी कर ट्रेडिंग। सकते हो, मजदूरी कर सकते हो। तो जो फिक्स मजदूरी है वो ब्रोकिंग में है या आर्बिट्राज में। अब आर्बिट्राज क्या है कि उसके लिए कैपिटल चाहिए आपको, मिनिमम कैपिटल, तभी वो आर्बिट्राज आप कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो जनरल पब्लिक के रीच से बाहर हो जाता है। वो उसमें आपको मतलब उसमें रिस्क नहीं है, मगर इट इज़ ए वो प्योर बिजनेस है और कैपिटल बिजनेस है। उस समय ब्याज बदला होता था सब, आज तो ब्याज बदला का खेल ही नहीं है। उल्टा बदला हाँ उल्टा बदला ब्याज बदला जो है सब बहुत खाली, मतलब आप सोचो कुछ नहीं, स्टॉक्स खाली ब्याज बदला में जो कमाई करता है उसका कोई मतलब ये नहीं। आप 1 लाख रुपया भी है तो भी ब्याज बदला में आप लगा के कमा सकते थे, 10 लाख है तो भी लगा के कमा सकते थे। आप 4-5 जन का ग्रुप अपना बना करके कैपिटल खड़ा करके उससे कर सकते, मतलब आपको देखिए कैपिटल मार्केट में जा रहे हैं विदाउट कैपिटल, यू थिंक कि हम साहब मैं तो बाहर भी कोई बिजनेस या कुछ भी आप काम करो देर इज नथिंग कि आप बिना कैपिटल के कुछ कर सकते, देर इज अ रिक्वायरमेंट, हर काम का अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, यू हैव टू कैलकुलेट। ये एक और पता कि आप कोई भी ट्रेड करो कोई भी डील करो उसकी एक कैपिटल कॉस्ट होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वो होनी चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है तो आप मरोगे ही मरोगे और जो पैसा आपने डाला वो खत्म है आपका। जैसे इवन आप ट्रेड भी करते हो और कोई सौदा भी लेते हो तो उसकी एक कैपिटल रिक्वायरमेंट है। हम क्या है, हम कैलकुलेशन अपने कैपिटल के हिसाब से करते हैं, मेरे पास 1 लाख रुपया है मैं इसके हिसाब से करूँगा, वो गलत है। आप जो ट्रेड लेने जा रहे हो उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप देखो कि भाई मेरे पास जो कैपिटल है वो उसमें मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो अब जैसे हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री और फ्यूचर, हम बिजनेस करते हैं साहब कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करके या फिर वो स्पेकुलेशन होता है, और वो मैं आयरन ओर में भी मार खाया हूँ सर, वो मैं अपनी असल जिंदगी में भी मार खाया हूँ। जहाँ आप स्पेकुलेशन करोगे आप मार खाओगे ही खाओगे। तो आज के दिन कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोडक्ट आपका, आज जैसे ऑयल है, ऑयल का फ्यूचर अगर मैं देखने अगर अभी चालू करूँ तो मैं ऑयल में ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग सो फास्ट एंड टेक्नोलॉजी इज कमिंग सो फास्ट कि ये ऑयल को अब
ये लोन 10 साल में पूरा बंद कर देंगे, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पे चली जाएगी चीजें आपकी बलून जी, इलेक्ट्रॉनिक्स। जो लेट्स से कि आपकी जो थ्योरी थी ओनरशिप वाली, तो मैंने हाँ मैंने कहा पे ये क्वेश्चन अभी भी आपके खड़ा होता है कि जो हमने हिस्ट्री में देखी थी कि कोई स्टॉक इंफोसिस इतना सा इतना हो गया, विप्रो इतना हो गया, आईटीसी इतना हो गया, तभी चीजें काफी स्मूथ चलती थी। अभी टेक्नोलॉजी जी के आते हुए काफी सारे डिस्ट्रप्शन आते हैं। कोई एक नया प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट 2-3 साल में ऑब्सलेट हो जाता है और फिर से अपसाइड में उसके दूसरा ही रुझान में आ जाता है। मीन्स लेट्स से टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं तो थोड़ी टाइम पहले, 10 साल पहले हम फ्लॉपी यूज करते थे, फ्लॉपी के बाद में हम पेन ड्राइव पे आए, पेन ड्राइव के बाद में हम मेमोरी कार्ड पे आए, मेमोरी कार्ड के बाद में सब कुछ क्लाउड हो रहा है, और ये सभी चार चीजें ऑब्सोलेट हो गई सिर्फ 8-10 सालों में ही। तो ये ओनरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है तो वो फ्यूचर में कितना एप्लीकेबल हो सकता है, जब भी हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी के हाँ बोल भैया, आप सकते तो इतना होल्डिंग हाँ पीरियड। हाँ आप ये साथ किसी का भी निकाल के देख लो, जितने भी आज के दिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, या आप इवन वॉरेन बफेट हो या जिसका भी आप नाम ले लो, हम वॉरेन बफेट को इन मतलब गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यस बोलते हैं, ठीक है। आप उन मतलब उनकी जो कोट्स हैं उसको आप देखो, तो उसमें एक कोट ये है कि इफ यू मतलब अगर आप ओन कर सकते हो तो यू बाय स्टॉक, अगर आप ओन नहीं कर सकते तो डोंट बाय दिस स्टॉक। अगर इन मार्केट 5 साल बाद बंद हो रही है और इफ यू आर विलिंग टू बाय देन ओनली बाय, अदरवाइज बाय मत कीजिए। तो जो भी है उनके बहुत सारे स्टॉक कोट्स हैं और भी बाकी जो, तो जिसका भी जो भी है साहब, इसमें जो आप इसको भी ले लो साहब। आज इंडिया में भी जो अच्छे बड़े बड़े जो भी आपके इन्वेस्टर हैं कि ब्रोकर हैं, आप उनको भी अगर उनकी भी हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो साहब सब ये। अच्छा, अब उसमें जो आप इसका टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तब ये टेक्नोलॉजी में फ्लॉपी, उसके बाद सीडी ड्राइव, उसके बाद पेन ड्राइव, उसके बाद में क्लाउड, क्लाउड में भी साहब आपका सर्वर तो लगता ही है, हार्ड ड्राइव तो लगता ही है, हार्ड डिस्क लगता ही है, ये बनाता कौन है? वही कंपनी बना रही है जो आज फ्लॉपी बना रही थी, अब पेन ड्राइव बना रही है, कल डिस्को ड्राइव बनाएगी, परसों नैनो ड्राइव बनाएगी, फिर पेटा ड्राइव बनाएगी, फिर कुछ बनाएगी। तो ड्राइव बनाते जा रही है, वो अपना नया प्रोडक्ट लाते जा रहा है और मार्केट में पुराना ऑब्सोलेट करते जा रहा है। तो आदमी को तो अपना बिजनेस ग्रो कर ही रहा है सर, उसका बिजनेस तो कम नहीं। अब आप इंफोसिस, इन्फोसिस का जो प्रोडक्ट है सर वो कभी मरने वाला नहीं है, इसीलिए इन्फोसिस कंपनी आज के दिन टेक्नोलॉजी में नंबर वन कंपनी है। विप्रो है, टीसीएस है, इनके पास में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इनके प्रोडक्ट फिक्स हैं, जो इन मतलब ये जब तक ये सिस्टम्स है, धरती है, मान लीजिए सरकारें चल रही हैं या जो भी चल रहा है, तब तक ये चलते रहते, तो वो रेवेन्यू ग्रोथ तो चलते ही रहेगा। और बाकी जो आप चीज़ देख रहे हो वो नया खरीद, भाई आज आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तो आज इनका वो पोर्टफोलियो में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कितना, मैं वही बोला ना आपको, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहला आपको देखना है कि कंपनी का प्रोडक्ट, सेकेंड आपको देखना है कि भाई कंपनी का कैश, वो कैश कहाँ खर्चा कर रहा है, उसको कैश कितना आ रहा है वो नहीं देखना, उसको कैश कहाँ खर्चा कर रहा है वो देखना है, और उसका जो रेशियो है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना कर रहा है, अपने कस्टमर के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है, ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा, मार्केट में आज उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रोडक्ट की रेपुटेशन क्या है, उसकी सर्विस की रेपुटेशन क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं आपको वो देखना है। बैलेंस शीट में कोई बेसिक इंसाइट्स में नहीं जाना है, बैलेंस शीट में हमें खाली दो ही चीज़ देखनी है कि कैश, कैश का खर्चा जो है वो कहाँ जा रहा है, और डेब्ट, वो जो कैश है वो कैश कहाँ से आ रहा है, वो अपना रुपया लगाया है या माल बेच के रुपया लगा रहा है, कि माल बेचने के लिए एडवांस माल तो बिक्री कर दिया, एडवांस आया हुआ है और माल धीरे धीरे जाएगा, उसका वो पैसा आया हुआ है, कि बैंक के पैसे से या पब्लिक के पैसे से चल रहा है। तो
वो कंपनी किस पैसे से चल रही है हमें वो देखना है। अगर बैंक के पैसे से चल रहे हैं वो डूबेगा। बैंक का पैसा भी एक लिमिट तक ही होना चाहिए, उसके आगे नहीं। तो ये जो पैरामीटर है वो हर एक के लिए एप्लीकेबल हो रहा है? मींस लेट्स से कि जो हम मार्केट में देखते हैं तो दो टाइप का एक होता है कि एक तो आपके लिए काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है जो वहां पे आपको डेप्थ होना ही होना होता है, और कहाँ पे एसेट लाइट मॉडल्स होते हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस पे ज्यादा फोकस होता है। लेट्स से कि आईटी कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है, वो ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स पे काफी ज्यादा फोकस करती है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो काफी कैपिटल इंटेंसिव होती है, तो वहां पे डेप्थ का प्रोपोर्शन ज्यादा ही होता है। तो उसके लिए कुछ तो आपका कुछ होता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर को एनालिसिस करने के लिए ये चीजें दिखनी होती नहीं सर, डेट रेशियो सब जगह एक ही है। ओके, आप कोई भी और डेट रेशियो समझने के लिए आप सबसे बेस्ट है किसी बैंकर के साथ बैठिए, बिजनेसमैन के साथ मत बैठिए, आप एक बैंकर के साथ बैठिए, क्योंकि वो अपना रुपया देता है। और बैंकर से आप समझिए कि यार तुम अपना रुपया देते हो कैसे देते, किस बेसिस पे देते हो। और जो क्वेश्चन आपने मेरे को ये किया, आप वो ऊंची उससे समझिए कि भाई यार ये आईटी कंपनी में तुमने इतना रुपया दे दिया, कल को ये डूब जाएगी तो क्या करोगे। और बैंकर बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो एक्चुअल जो क्रेडिट वाला जो पैसे का जो साइन करता है कि इसको इतना रुपया देना है, उससे बात करो। तो आपको क्या है कि इस चीज़ का इनसाइड नॉलेज जिसको बोलते हैं, मतलब ज्ञान जो है वो एक्चुअल ज्ञान है, और एक से नहीं 10 से बात करें तो आपको एक्चुअल ज्ञान हो जाएगा। किताब पढ़ के और आप लीफलेट्स पढ़ के या इन या मान लीजिए बैंक का इवन मैनेजर से भी आप बात करेंगे तो ज्ञान है। जो उसका क्रेडिट का जो मेन मैनेजर होता है उससे बात करें, और पब्लिक सेक्टर यूनिट से मत बात करें। जो बात करना है प्राइवेट वाले से बात करिए, पब्लिक सेक्टर वाले से आप बात करोगे, देखिए ज्ञान उसको ज़्यादा है मगर वो पब्लिक का पैसा बांट रहा है, वो घूस लेके बांट देता है तो वहाँ उसको टेंशन नहीं है। मगर प्राइवेट में क्या है, कल को कुछ भी 19-20 हो गई तो उसका नौकरी क्या, उसका पेंशन सब कुछ खत्म हो जाए। और ज़्यादा इसमें समझने के लिए आप बात करिए जो NBFCs होते हैं, जो इक्विपमेंट फाइनेंस होम फाइनेंस वाले, उनके जो क्रेडिट मैनेजर्स होते हैं आप उनसे बात करिए, तो आपको वो रियल ज्ञान दे देंगे कि भाई आईटी कंपनी और उसका प्रोडक्ट क्या है, उसको हम कैसे देखते हैं। जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है उसको हम कैसे देखते हैं, सब कैपिटल इंटेंसिव कंपनी को तो पैसा वो ज़्यादा देते हैं तो उनको उतना कोलेट्रल और उनको उतना मिलता है, उतना ही आईटी कंपनी को भी वो देते हैं तो उतना मिलता है। और आईटी कंपनी जिसके पास में अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सारे भाड़े के मकान में चल रहे हैं, वहाँ मत चलिए। वेरी सिंपल, जिस आईटी कंपनी का मकान अपना खुद का नहीं हो वो दिमागी मत लगाइए उस कंपनी से। भाई जिसका मकान अपना नहीं वो कल कहाँ हवा हो जाएगा। भाई साहब हम लोग डब्बा गोल होते हुए आपने तो कितना देखा, नहीं दिखा सर पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत देखा है डब्बा गोल होते हुए। तो साहब अच्छे अच्छे लोगों का डब्बा गोल होते हुए देखा है, मतलब हजारों करोड़ों का। अब जैसे साहब आप फॉर एग्जांपल किंगफिशर, उसकी कोई भी चीज अपनी नहीं है, सब भाड़े की। किंगफिशर एयरलाइंस आज आप देखिए 10,000 करोड़ का जो उसका हिसाब किताब है सारा भाड़े पे। जब बैंक उसका जब लेने गया तो उसको एक भी चीज उसकी अपनी नहीं मिली, और उसका घर द्वार भी जो उसके जो प्रॉपर्टी वो भी 200-400-500 करोड़ से ऊपर की नहीं। अब बाहर कहीं बैठा है वो साइड, सारा पैसा उसने साइड कर दिया, सारा खेल ही पैसा जो है साइफन ऑफ का था। तो आपको ये चीज इस पे आपको वही देखना है कि कैश जो है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वो साइफन ऑफ हो रहा है कि प्रोडक्ट में जा रहा है, कि बिजनेस में जा रहा है, कि रिसर्च एंड डेवलप। अब
बहुत सी कंपनी होता है, जैसे आप दवाई कंपनी है ठीक है, उसमें या टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप बोलोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखिएगा वो 50% आती है, 75% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो उसका एक मात्रा है। अगर 25% 20% 25% 30% इससे ऊपर अगर किसी का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा जा रहा है, उस कंपनी को हाथ नहीं लगाना, कितनी बड़ी कंपनी हो। इवन अगर आज के दिन विप्रो, रिलायंस और इंफोसिस, ये भी 30% से ऊपर रिसर्च में अगर पैसा डाला है तो बंद कर दो, कुछ घपला है, दिमाग मत लगाओ, बाहर निकलो। जिस आज जो भी भाव है उसमें 25-30% एक्चुअली काफी ज्यादा हो गया। अभी तो हम देखते हैं कि जो इनका एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस होता है, तो एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस के 2-3% उनके यानी आरएनडी में होता है। इंडिया में तो देखिए, आज आप बाहर की कंपनी में देखिए, गूगल है कि जितने भी हैं उनका क्या रेशियो है, और हर जगह आपको एवरेज निकालना होगा। आप जब स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे कोई भी चीज़ के ऊपर, तो आप एक कंपनी में, आप एक कंपनी उठा तो उससे रिलेटेड उसकी 10 कंपनी उठा लो और पैरामीटर्स देखो और उसका एवरेज निकाल लो। सब चीज का कुछ नहीं है, एक्सेल में डालो सबका एवरेज निकालो और वो एवरेज का पैरामीटर्स कहाँ जा रहा है वो देख लो। जितनी बाहर की कंपनियां हैं उनका एवरेज निकाल लो। अब क्या है ना कि आप ये सारा जब इतना बहुत मेहनत का काम, तो इसीलिए मेहनत अगर इतना नहीं करना हो तो सिंपल है, निफ्टी 50 उठा, उसमें से 5 कंपनियां उठा, ओनरशिप कर लो उसमें और बेहतरीन कंपनियां मिलेगी। निफ्टी 100 उठा लो, उसमें से 5 कंपनी निकाल लो अपना पोर्ट। अब 5 कंपनी, एक कंपनी, आप एक कंपनी से चालू करो ना, मेरे को हर महीने 1000 रुपया डालना है, मेरे हर महीने 2000 रुपया डालना है, साहब 1000-2000 रुपया हर महीने हम चाय पुड़िया पानी ऐसे ही फूट देते हैं। आप साहब एक और आपके आपकी जितने भी हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो ऑफिसर्स लोन काम करते हैं, आप उनका पोर्टफोलियो देखो। अगर कि ये आपको इन्वेस्टिंग अगर स्टडी कर दी हो तो आप इन लोगों के पोर्टफोलियो को देखो, तो आपको और इनके पोर्टफोलियो से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब तक करना है, सारी चीज क्लियर। ये बेचते नहीं है कभी, जितने भी आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो भी कर्मचारी मिलेगा आप वो देखिएगा कि वो 5% 10% पैसा अपना जो है वो अपना पोर्टफोलियो बना रहते हैं और उसमें डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं। उनको मालूम है कि मेरा 20 साल का नौकरी है कि 30 साल का है कि 15 साल का है कि 10 साल का नौकरी है। तो मैं 10 साल 15 साल 20 साल अगर मान लीजिए इसमें डालता हूँ तो मेरे पास में एक लमसम इतना रुपया जमा हो जाएगा, तो मेरे को मेरा जो उसके बाद का है टेंशन नहीं, नौकरी तो रहना ही है, नौकरी की तो टेंशन ही नहीं, और वो उनको घर फ्री में मिला रहता है तो घर का भी उनको खर्चा करने का जरूरत नहीं, गाड़ी घोड़ा में वो करते नहीं, साल में एक बार घूमने जाते हैं। स्टडी करना है बंगाली को, स्टडी करिए, दे आर वेरी गुड इन्वेस्टर्स। आप भी शायद यू आर ऑल्सो बंगाली या गुजरात के, तो आप बंगाली को स्टडी करिए, दे आर वेरी गुड इन्वेस्टर्स। मतलब ये जो एक लमसम जो इकट्ठा करना है सब, हम ये मेरी मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं कलकत्ता में था और ऐसे लोगों के बीच में था कि ये सब उनसे ज्ञान मिल के आज एक नॉलेज थोड़ा है चीज़ों का। और एक चीज, आपका गुजराती, पंजाबी और मारवाड़ी क्या दिमाग, मतलब इन्वेस्टिंग स्टाइल में कभी मत जाइएगा,
बिकॉज पंजाबी जो है वो खाली डेप्थ पे चलने का हिसाब है उसका, मारवाड़ी गुजराती स्पेकुलेशन जो आप भी अभी दिमाग लगा रहे हो टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करके, टेक्निकल्स में आप खाली उसका बिहेवियर आप उसको स्टडी करो, टेक्निकल्स में आप बिहेवियर, और वो भी आप एक्सेल में कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपको इतना चार्ट वाट कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। जहां आप स्पेकुलेशन छोड़ दोगे, इवन ट्रेडिंग में भी आपको स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है, बेसिकली टेक्निकल्स में आने हम भी आने, बेसिकली जो हमारा अप्रोच रहता है तो वो जस्ट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर के लास्ट टाइम उसकी इंटेंसिटी फॉल क्या, कौन से लेवल से वो स्टॉक चल रहा है, तो एक बिहेवियर ही हम उसका समझते हैं मूड नहीं, वो बिहेवियर आप जो वही मैं वही उसमें बिहेवियर, आप बिहेवियर क्या है, क्या बिहेवियर मेरा डेली चेंज नहीं होगा सर, आपका जो जो बिहेवियर है आपका वो एज इट इज रहेगा, एक बिहेवियर बनने में एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम लगता है। जैसे अगर मेरे को अपनी आदत आज चेंज करनी हो या बिहेवियरल पैटर्न चेंज करना वो रातों रात नहीं हो जाएगा, मैं मेरे को भी करना होगा तो मेरे को 6 महीने साल भर लग जाएंगे, एक ही चीज़ को कंटिन्यूस करते रहूँगा तब जाके वो मेरे इसमें आएगा। वैसे ही मार्केट भी है, मार्केट का एक बिहेवियरल पैटर्न है और वो उसी के दायरे पे ही चलता है, वो आज के दिन अगर आप जब स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि वो कॉन्स्टेंट है, दैट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, दैट एवरेज इज कॉन्स्टेंट, मतलब अभी तक का मेरे कैलकुलेशन में वो कांस्टेंट है, जो फिगर्स हैं वो अभी तक मतलब मैं करीब उसको ट्रैक कर रहा हूँ साल भर से, और मतलब जब से NSE निफ्टी 50 का लॉन्च हुआ 93 के 94 से, तो उस दिन मैं इंसेप्शन डे से उसकी जो प्राइस है और आज के दिन जो प्राइस है वो डेली चेक होती है, और उसका जो कैलकुलेशन निकल रहा है उसका बिहेवियरल पैटर्न पूरा फिक्स है, उसमें कहीं चेंजेस नहीं है। दूसरा हमें यह देखना है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ क्या चीज उससे आगे तक जिंदी रहेगी, तो निफ्टी 50 कभी मरने वाला नहीं है, तो मैं कभी भी किसी भी भाव में अगर निफ्टी 50 को लेता हूँ तो मुझे बेचने का मौका हमेशा मिलेगा। और सपोज करिए कि कोई आदमी बोलता है कि भाई निफ्टी 50 खत्म हो जाएगा, निफ्टी 50 खत्म नहीं होंगे लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं, मींस लेट्स से कि आप यानी 5-6-7 साल पहले का आप निफ्टी देखेंगे तो वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो यूनिट था उसका वेटेज काफी ज्यादा था, आज फाइनेंशियल सर्विस का काफी ज्यादा था, बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, कोई भी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करता है तो उसके रीबैलेंसिंग में वो स्टॉक निकल दे जाते हैं, मेरे को साहब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को निफ्टी 50 ऑन करना है, निफ्टी 50 यानी उसके स्टॉक्स की निफ्टी 50 एज ETF में समझा नहीं, निफ्टी 50 आप एज ETF ले लीजिए, निफ्टी 50 एज स्टॉक्स ले लीजिए, अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो आप निफ्टी 50 के सारे को स्टॉक को ऑन करिए, जो बाहर गया उसको बाहर कर दीजिए, जो अंदर आया उसको अंदर कर दीजिए, मेरे को निफ्टी 50 ऑन करना है, तो वहाँ भी वही ओनरशिप थ्योरी आ गई। अब मेरे को मान लीजिए निफ्टी 50 ऑन करना है, मेरे को तो जितना नीचे भाव आएगा उतना मेरे को चीप है, उतना मजा है, मेरे को तो ऊपर जाएगा तो मेरे तो खरीद ही नहीं सकूंगा ना, तो मेरे को तो बेचना ही पड़ेगा ना, अगर आपको लंबे, अब जैसे निफ्टी 50 आप ऑप्शंस में उसको होल्ड कर सकते हैं, ऑप्शंस में निफ्टी 50 आप ऑप्शंस में लॉन्ग, आप लॉन्ग प्ले कर सकते हो एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड उसको, आप ले सकते हो और उसमें होल्ड कर सकते हो, आज के दिन 20 रुपए कॉस्ट है,
निफ्टी 50 का आज के दिन पर स्ट्राइक 20 रुपीज कॉस्ट, और यही अगर मान लीजिए आपका वीक्स बढ़ जाएगा तो 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपया मैक्सिमम है। 40 रुपये के बाद में वायबिलिटी खत्म हो जाती है भाई, 50 रुपये का उसका गैप है, और अगर 40 में किया तो भी 10 रुपये मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि 40 से ऊपर चल जाएगा तो फायदा नहीं है ना आपको, तो वायबिलिटी खत्म है। तो इसीलिए आप देखिए कोई भी वीक्स जाए, प्रीमियम जो है वो 20 रुपये से 30 रुपये का डिफरेंस में ही जाता है, या मैक्सिमम 35 रुपये। और ऑप्शंस में आर्बिट्रेज का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, यू कैन प्ले आर्बिट्रेज उसमें। सेकंड आपको उसमें क्या है कि कम कैपिटल में भी आप काम कर सकते हो, मगर ऑप्शंस में और उसमें भी बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए। ऑप्शंस में भी आपको बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, सिंपल है, हमको खाली लॉन्ग खेलना है कि हमको खाली शॉर्ट खेलना है। और आपको वही निफ्टी को बिहेवियर को आपको देखना होगा और निफ्टी को आपको समझना होगा। जिस दिन आप निफ्टी को समझ जाएंगे तो आप डिसाइड कर लेंगे कि मेरे को क्या करना है, तो डेली ट्रैकिंग की भी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे मैंने अपना एक खुद का ऑटो प्रोडक्ट, मतलब अब मैं तो बैठते ही नहीं हूँ निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, सिस्टम ट्रेड करते रहता है। मैंने एक अपना ऑटो बना दिया है, वो ऑटो मतलब अपना खुद ही वो निफ्टी को ट्रेड करते रहता है। आपका कहा ना कहा ओनरशिप के अलावा ट्रेडिंग में भी एक्सपोजर है वैसे कह सकते हैं। हाँ, जैसे निफ्टी 50 तो भाई तब मैं ETF उसको क्यों लूँ, आज वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसमें क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सर मालूम है। तो जब मेरे पास निफ्टी 50 का, अब जैसे निफ्टी 50 में भी मैं क्या है कि मैंने अपना एक बना रखा है कि आप निफ्टी 50 में आप वेटेज के अनुसार अपना पोर्टफोलियो की चर्निंग कर सकते हो। अब निफ्टी 50 का आप देखो 3-4 ग्रुप है, एक 5% वाला वेटेज का है, एक 3% वेटेज वाला है, एक 1% वेटेज वाला है, और एक बिलो 1% वेटेज वाला है। तो जो 5% से ऊपर वेटेज वाला है उसमें 5 से 6 कंपनी है। अगर आप खाली 5 से 6 कंपनियों को लोगे तो उसका कॉस्ट करीब आता है 15,000 रुपये, मतलब एक एक यूनिट अगर 6 के लोगे तो वो लगभग 13,000 से 15,000 रुपया उसका कॉस्ट आएगा हर महीने। अगर मैं उसको इन रेशियो टू निफ्टी करके अगर उसको खाली अपने पोर्टफोलियो में डालते जाऊँ तो हो गया ना मेरा काम, मैं निफ्टी को ऑन करना चालू कर दिया। ETF इज अ वेरी बेटर चॉइस के ETF में तो अपने प्रोपोर्शन का भी करने का जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे उसमें ETF में डालते ही जाओ। ETF में सर क्या है ना कि मैं पैसा दूसरे आदमी को दे रहा हूँ ना सर, वो क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ETF में आप देखोगे, आप ETF को भी स्टडी करोगे निफ्टी के अनुसार उसका प्राइस बहुत बार जो है आपको नहीं मिलेगा। वो एक ट्रैकिंग एरर होता है बट दैट इज आल्सो अ वेरी नेग्लिजिबल पार्ट। Fine. नहीं आई गॉट योर पॉइंट, बात ठीक है सब। नहीं तो जरूरत क्या है मेरे को सर ETF की, तो मैं सीधा सीधी हिसाब है ना सर, अगर निफ्टी 50 का मैं 4 सेगमेंट कर दिया, 5% वेटेज वाली, 3% वेटेज वाली, तीन भी नहीं सर, 1%, 5%, यानी जो चार सेक्टर है जिसका 70% वेटेज है, एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो नॉर्मली सेक्टर में भी नहीं जाना सर आपको, कंपनी आप सीधा कंपनी, 6 कंपनियां हैं जिनका मैक्सिमम वेटेज है 3% से ऊपर, ठीक है, जो कि 60% वेटेज होल्ड करती है, 6 कंपनियां 60% वेटेज होल्ड करती है निफ्टी 50 में। तो अगर मैं उसको दुगना ले लूं, हर महीने 25,000 रुपया डाल दूं, तो मैं निफ्टी 50 ऑन कर रहा हूँ। निफ्टी 50 का मेरे को एग्जैक्ट उसमें ये आएगा, निफ्टी 50 जितना जाएगा उतने मेरा वो पोर्टफोलियो जाएगा, निफ्टी 50 जितना
मतलब जो फ्लक्चुएशन निफ्टी 50 का होगा वो फ्लक्चुएशन मेरा उसका होगा, और मेरे को जहाँ डिफरेंस मिलेगा वो मेरा आर्बिट्रेज कमाई है। वैसे ही आप 1% वाला है, 1% वाले में आपको 10 से 15 कंपनियां हैं, उसकी कॉस्ट आपको 40 से 60 हज़ार रुपये के आसपास आ जाती है। उसके बाद में फिर बाकी जो है वो करीब करीब 30 की 40 कंपनियां हैं, नहीं सॉरी 35, आपका 25 की 30 कंपनियां हैं जो 1% से नीचे वाले हैं, उसका 70 से 80 हज़ार रुपये कॉस्ट आ जाता है। तो सब कॉस्ट का काम है, आपको कॉस्ट निकालना है कि वो किसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके अनुसार आपको उसको देखना है कि भाई सपोज करिए कि मैं ये चीज़ अभी रिलायंस है, रिलायंस आपको एक यूनिट का दाम 2,000 रुपये, ठीक है, तो लेकिन आप रिलायंस उसकी भी एक वायबिलिटी होती है कि आप जब उसको ट्रेड करोगे तो पाँच शेयर से करोगे, 5 लॉट का करोगे कि 10 शेयर का लॉट का करोगे कि 20 शेयर का करोगे, तो ही वायबिलिटी आएगी आपको। अगर आप उससे कम का करोगे तो आपको वायबिलिटी नहीं आएगी। अब ये आपको निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे कि भाई मेरे खर्चे क्या हैं, उसको ट्रेड करने के लिए मैं अपना टाइम कितना डिवोट करूँ, वो सारी चीज़ों को आप देखोगे तो आपको खर्चे निकालने होंगे और उससे ऊपर आपकी कमाई आनी चाहिए। तो मेरे को सपोज करिए कि मैं खाली रिलायंस लेके करता हूँ, मेरे को भाई 20,000 रुपये तो महीने का चाहिए ही चाहिए, और अगर मैं रिलायंस में काम करता हूँ तो जब तक मैं 100 शेयर का काम नहीं करूँगा तो मेरे को उतने पैसे नहीं आएंगे। मेरे को अगर उसमें मार्जिन जो काम करनी है वो 100 रुपये या 50 रुपये की मार्जिन में काम करना है, तो भाई मेरे को ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपये चाहिए, लिया 50 रुपये मिले बेच दिया, 100 रुपया मिला बेच दिया। अब इसमें आप वही, इसमें फिर वही खेल आ जाता है कि आप बोलोगे कि भाई आपने ले लिया और वो गिर गया, मान लीजिए मैंने 2000 में लिया, 1900 में क्या करना, 1900 में फिर लेना, क्योंकि मेरे को तो मैंने पार्ट कर दिया कि भाई आज सपोज कर रहा हूँ मेरे को 100 शेयर का डील करना है, तो मैं एक बार में 5 शेयर से बेसी का डील नहीं करता, और महीने भर में मेरे को 100 शेयर लेना और 100 शेयर बेचना है, और मेरे को 200 रुपये की कमाई चाहिए तो मेरे को 300 रुपये की कमाई चाहिए, या मेरे को 50 रुपये की चाहिए तो मेरे को उतने शेयर के हिसाब से फिर आपको कैलकुलेशन करना होगा, और वो पैसा मैं होना चाहिए तभी आप करो, नहीं तो मत करो। मैं लीवरेज का काम नहीं करता, ये पहले मतलब अपने टाइम में बहुत किया हूँ, लेकिन आज के दिन साथ एक नया पैसा भी आप बोलोगे कि भाई मैं आपको मतलब ये आप 1 रुपया दो मैं 100 टका आपको देता हूँ, मैं बोलूँगा साहब आप मेरे से 110 रुपये ले लो और मेरे को 100 रुपये का ही आपको, जब भी मैं आपसे जाऊँ 10 रुपये लेते जाऊँ, मेरे को एक मतलब 100 का 90 आप दो, मेरे को 100 का 110 नहीं चाहिए। और ऑप्शंस में तो ऐसे ही आपको लीवरेज मिलेगा आज के दिन, उसमें आपको आप सोचिए 7.5 लाख का प्रोडक्ट है जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, आज के दिन आपको 7.5 लाख रुपये का प्रोडक्ट है, आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइज 7.5 लाख रुपये का निफ्टी का, निफ्टी 50, आप उसे कितने रुपये में आपका जो है वो मतलब 40,000-50,000 से मैक्सिमम प्रीमियम किसी का नहीं है। तो आज इवन 1-1.25 लाख रुपए भी जो प्रीमियम है तो उसका 15 लाख का 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है,
निफ्टी 50 का तो 7.5-8 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका आप सोचिए उसी रेशियो में सबका है, तो ऑलरेडी उसमें तो ह्यूज लिवरेज है, तो आपको जाता है तो आपका तो कैलकुलेटेड है कि आपका 4% जाना ही जाना है, प्रीमियम जो गया मतलब गया, और वहाँ भी पैसा तो जो कमाता है जो ओन करता है वही कमाता है, ऑप्शंस में भी जो ओन करता है वो कमाता है, और मतलब आप ट्रेड करने वाले नहीं कमाते। तो वरुण जी, मीन्स हमें काफी अच्छा लगा आपसे इन्हें बात करके, काफी एक अच्छी थियरी देखने मिली, काफी सारे प्रोस्पेक्ट इस चीज को भी समझेंगे कि ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है और एक ओनरशिप का भी फंडा है वैसे। तो थैंक यू सो मच वरुण जी आपसे बात करने के लिए। मीन्स ये क्वेश्चन से मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इट वॉज लाइक अ वेरी फ्री फ्लो जैसा अपना सेशन था, आप बोलते गए मैं क्या सुनता गया, देयर वाज सम क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, आपने मुझे एक अच्छे से उसके जवाब दिए। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़िया, नाम है, आपको भी अच्छा लगा आपसे।